हरे कृष्णा, हरे श्रीमती, एम आई ऑडिबल? हरे गेस्ट कृष्णा, हरे कृष्णा, डियर प्रोजीस मतेइस, तो आप सबका स्वागत है। तो जैसे बताया अर्षिता माथे ने, हम सब लोग मायापुर धाम आए हैं, तो आज मायापुर धाम से हम लोग एक क्लास ले रहे हैं। तो आइए हम लोग मंगलाचरण करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, और आज का अपना सेकेंड चैप्टर में हम लोग एंटर करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति सुभदांतिकम्। वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगंधगुणातान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगंध ललिता श्री विशाखान्वितम श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल कृपा सिंधु एव च पतिर्णाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु राय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पार्थ गोपाल। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी माता जी, पिछली बार हमने फर्स्ट चैप्टर भगवद गीता का डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा किस तरह जो धृतराष्ट्र है वो नेत्रहीन है, ना केवल नेत्रहीन फिजिकली है परंतु स्पिरिचुअली भी है, ज्ञान से भी है। और हमने दुर्योधन की डिप्लोमेसी के बारे में चर्चा की, और हमने देखा किस तरह जो अर्जुन है वो बहुत ही जेंटल व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है उनका, गुड नेचर, गुड वैल्यू सिस्टम, वो कुछ भी अननेसेसरी किलिंग नहीं चाहते और पापों से दूर रहना चाहते हैं। और पांच कारण बताते हैं अर्जुन युद्ध ना करने के। पहला था कंपैशन, दया का भाव, अरे इतने सारे लोग मारे जाएंगे अच्छी बात नहीं है। दूसरा, दूसरों को मारना पाप है तो मैं पाप का भोगी क्यों बनूं। तीसरा, अगर जीत भी गए तो फायदा क्या, क्योंकि अपने परिवार के जनी मर गए तो किसके साथ एंजॉय कर पाऊंगा, तो इसलिए भी नहीं करना चाह रहे थे। और फिर चौथा कि लोगों के मारे जाने से फैमिली ट्रेडिशन जो है वो नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर, अनवांटेड प्रोजेनी पॉपुलेशन होगा, तो वो समाज के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं करना चाह रहे थे। तो ये चार रीजन एक्चुअली पहले चैप्टर में बताया अर्जुन ने युद्ध ना करने के। और हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अर्जुन इतना अच्छा नेचर होने के बावजूद, इतना कंपैशनेट होने के बावजूद भी कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाते हैं, बिविल्डर होते हैं। तो आइए हम सेकेंड चैप्टर में अभी हम लोग एंटर करते हैं। तो संजय उवाचा तम तथा कृपया वित्तम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। तो संजय ने कहा कि इस तरह जो अर्जुन है वो पूर्ण रूप से कंपैशनेट था, ही वॉज ओवरवेलम्ड विद कंपैशनेट कंपैशन, और अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, उसकी आंखें हैं अश्रु से भर आई, बहुत दया का भाव था और अर्जुन रो रहा था। और अर्जुन की ये कंडीशन, जो अर्जुन की लैमेंटेशन है, उसको देखकर उवाचा मधुसूदना, मधुसूदन यानी कृष्ण का नाम मधुसूदन, तो कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे बोला, क्या बोला, नेक्स्ट स्लाइड। श्री भगवान उवाचा, ये पहला श्लोक है भगवद गीता में, पहली बार भगवान बोल रहे हैं। आपको याद है मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में भगवान कुछ नहीं बोले, वो अर्जुन गीता थी, अर्जुन बोलता रहा, अब भगवान पहला वाक्य बोल रहे हैं यहाँ पर। श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वाकस्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुना। तो यहाँ पे शब्द आया है श्री भगवान उवाचा। तो देखिए, जो पहले अध्याय में पहला श्लोक था धृतराष्ट्र उवाचा, संजय उवाचा, उसके बाद अर्जुन उवाचा, और यहाँ पर कौन बोल रहे हैं, कृष्ण उवाचा, और यहाँ क्या लिखा है, श्री भगवान उवाचा। यानी यहाँ कृष्ण का नाम आया है, जहाँ कृष्ण बोलते हैं वहां कृष्ण वाचा नहीं बोलते, वहां क्या लिखा है, श्री भगवान वाचा। तो यहीं पर क्लियर हो जाता है, लोगों को बहुत भ्रम है भगवान के अस्तित्व के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, भगवान की पहचान के बारे में, और यहाँ
पहला श्लोक ही जो गीता में भगवान बोल रहे हैं उसमें क्लियर हो जाता है कि कृष्ण ही वास्तव में भगवान है। तो हमें भगवद गीता समझने के लिए इस बात को समझना पड़ेगा कि जो कृष्ण गीता बोल रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई असाधारण व्यक्ति है। कई बार लोग कृष्ण को साधारण मानते हैं और कई बार कहते हैं हाँ वो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो कृष्ण ना ऑर्डिनरी है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। और भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं का मतलब भगवान का भी एक व्यक्तित्व है, भगवान की पर्सनैलिटी है, भगवान का रूप है, भगवान का मुंह है, भगवान की वाणी है। तो भगवान यहाँ पर, भगवान एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को सबसे पहले क्या बोलते हैं कि अर्जुन ये कल्मश तुम्हारे पास कैसे आ गया? ये तो बहुत ही विषमय, बहुत ही विषम परिस्थिति है। इट इज अ क्रिटिकल जंक्शन। अभी युद्ध भूमि में सब लोग खड़े हैं और तुम अकस्मात कैसे मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो, कमजोर व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो। यहाँ पर बोलते हैं दिस इज अनलाइक अनार्य। एक होता है आर्य, एक होता है अनार्य। आर्य का मतलब सिविलाइज्ड, अनार्य का मतलब अनसिविलाइज्ड। तो तुम कैसे अनसिविलाइज्ड, अनपढ़ व्यक्ति की तरह, अज्ञानी व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो? इससे क्या होगा? अस्वर्गीयम, ना तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, अकीर्तिकरम, ना तुम्हें कीर्ति प्राप्त होगी, यानी तुम्हारा अपयश हो जाएगा। तो अर्जुन जब तुम बात कर रहे हो अभी, हालांकि अर्जुन देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन कंपैशन की बात कर रहे थे, अर्जुन मारधाड़ नहीं करना चाहते थे। और भगवान यहाँ पर, और कई बार लोग बोलते हैं कि कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं, युद्ध करा दिया। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कृष्ण क्यों अर्जुन की वो जो कंपैशन है उसको अज्ञान बता रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये तुम कैसे अनार्य की तरह बात कर रहे हो। क्लैब्यम, थर्ड वर्स, क्लैब्यम मास्मक महापार्थ नहि तत् त्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठा परंतपा। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम क्लैब्यम मास्मक महापार्थ। तो डोंट बी लाइक एन इम्पोर्टेंट, अर्जुन एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति की तरह, अक्षम व्यक्ति की तरह बात मत करो। तुम महावीर हो, तुम फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, सब कुछ तुम्हारे पास है। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा हार्ट इतना वीक क्यों हो रहा है? हार्ट, उस हार्ट की बात नहीं कर रहे जो मेट्रो में ठीक होता है, हार्ट की बात कर रहे हैं जो तुम्हारा सटल हार्ट है। इतना दुर्बल, इतना वीकनेस क्यों आ रही है? तुम क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे? इसलिए उठो और त्यक्त्वा उत्तिष्ठा परम तप, उत्तिष्ठ उठो अर्जुन, उठो उठो, यानी बकअप, बकअप बोलते ना, बकअप बकअप, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कभी रेस होती है या क्रिकेट मैच होता है बोलते हैं बकअप बकअप। कोई बच्चा एग्जाम में पास, अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए, पेरेंट्स बोलते हैं बकअप बकअप। तो हम इस संसार में भी सबको बकअप बोलते हैं और यहाँ कृष्ण भी अर्जुन को बकअप कर रहे हैं, पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि इस संसार में हम बकअप बकअप बोलते तो हैं, पर उसके पीछे उस व्यक्ति को शक्ति कैसे दें उसके बारे में कुछ कहने को नहीं, सिर्फ एक बोलने की बात है, हाँ उठो उठो उठो, चलो 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 चलो। पर जब कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण अर्जुन को ज्ञान भी देने वाले हैं और शक्ति भी देने वाले हैं। केवल ऐसे नहीं बोल रहे कि उठो अर्जुन युद्ध करो, उसको ज्ञान भी दे रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, शक्ति भी दे रहे हैं। अब अर्जुन को भगवान ने तो बोल दिया कि उठो अर्जुन युद्ध करो, पर अर्जुन कहते हैं कि कैसे करूं, मेरे सामने द्रोणाचार्य हैं, भीष्म हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, कैसे करूं? आप बोल रहे हो उठो अर्जुन युद्ध करो, मैं कैसे करूं? ये तो वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे लिए पूजनीय हैं, मैं इनके साथ कैसे फाइट कर सकता हूँ? देखते हैं पूरा अर्जुन कितना जेंटलमैन व्यक्ति है। आज के समाज में तो हम छोटे जो है बड़ों को आदर सम्मान नहीं दे पाते, अपने माता पिता को सम्मान नहीं दे पाते, दादा दादी को नहीं देते, टीचर्स को नहीं देते। यहाँ पे अर्जुन कितना हाई वैल्यू सिस्टम है उनका, क्या मॉरल्स हैं कि वो कह रहे हैं नहीं, कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरे इतने पूजनीय लोग हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ? गुरुन अहत्वा ही महानुभावन श्रेयो भोक्तुम वैक्स्यम अपि हि लोके, अत्वार्थ कामां सु गुरुन इहेवा भुंजीय भोगान रुधिर। तो अर्जुन कहते हैं कि इस इनसे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह से युद्ध करने से अच्छा है, अपने गुरुजनों से युद्ध करने से, उनको मारने से अच्छा है कि मैं तो जंगल में चला जाऊंगा और भिक्षा मांग लूंगा, अपना तो जीवन निर्वाह कर लूंगा। जैसे बताया था कि आज तो स्टूडेंट्स टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, गुरु गुरु शब्द, पहले के जमाने में स्कूल में जो टीचर है वो भी गुरु है हमारा, हमें शिक्षा देते हैं। आजकल तो बच्चे आके पेन चुबा देते हैं टीचर को, टीचर का मजाक उड़ाते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं।
उनको गाली अब्यूज गंदी लैंग्वेज बोलते हैं, फिजिकली असॉल्ट कर देते हैं, गोली तक मार देते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारा समाज कितना दूर चला गया है हमारे वैल्यू सिस्टम से। तो यहाँ पे अर्जुन का वैल्यू सिस्टम कितना हाई क्लास, फर्स्ट क्लास, कि अपने गुरुजनों को अपने पितामह के अगेंस्ट मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकता। और ये कहने के बाद अब अर्जुन छठे श्लोक में कहते हैं, पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि हे भगवान, मैं पूरी तरह कंफ्यूज हूँ और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं युद्ध करूं, उनको उनको जीतूं या उनके द्वारा जीता जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं। तो ये पांचवा कारण अर्जुन बताते हैं युद्ध ना करने। पहला कारण क्या था? कंपैशन, दया का भाव। दूसरा क्या था? पाप। तीसरा क्या बताया था? कि जो ये फैमिली सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं? ये तीसरा बताया था कि मैं जीत भी जाऊंगा तो किसके साथ एंजॉय करूंगा। चौथा बताया था फैमिली सिस्टम नष्ट हो जाएगा। और पांचवा कारण बता रहे हैं कि मैं कंप्लीटली कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। और अब आता है एक बहुत 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 महत्वपूर्ण श्लोक, सेकेंड चैप्टर का वर्स नंबर 7, आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल टू डू है। ये श्लोक हमारे लिए है, जैसे अर्जुन ने किया वैसे जीवन में करना चाहिए था। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन के जीवन में पैराडाइम शिफ्ट आ गया, एक विचित्र मोड़ आया। जो कंफ्यूजन की स्थिति में थे, इसके बाद इनका कंफ्यूजन चला जाएगा और ये जीवन में विजयी बन जाएगा। तो अर्जुन ने ये जब कंफ्यूज अवस्था में मोस्ट क्रिटिकल डिसीशन ऑफ हिज लाइफ लिया, वो क्या था? उन्होंने कृष्ण को अप्रोच किया और कृष्ण से जाकर बोला, क्या बोला, यहाँ पर देखते हैं। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूलचेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्याम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो बोलते हैं इसमें कई टीचिंग्स हैं, कई एज, देर आर मेनी एज टू लर्न फ्रॉम दिस वर्स। आप अपने पास, आपके पास नोट पैड उसमें लिखिए, क्योंकि ये हमें भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना। पहला है कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा। तो अर्जुन ने बताया कि मैं बहुत ही कृपण दुर्बल अपने आप को अनुभव कर रहा हूं, यानी अर्जुन ने अपनी वीकनेस कृष्ण को बताई, एडमिट किया कि मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। हम सबके जीवन में कितनी कितनी बार ऐसे होता है कि मैं नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, पर किसी को जाकर बोलते नहीं, हम सोचते हैं जो मैं सोच रहा हूं वो कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। पता भी है कि मेरे को नहीं पता क्या सही है, पर किसी के पास जाकर हम पूछते नहीं। तो अर्जुन ने क्या किया? सबसे पहले एडमिट किया कि आई डोंट नो। हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था, हम सब में पांच कमियां हैं, उसमें से एक कमी, चार डिफेक्ट्स हैं, उसमें से एक डिफेक्ट क्या है? चीटिंग प्रोपेंसिटी। एक तो झूठ बोलते हैं और एक चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम धोखा देते हैं, तो अपने आप को ही धोखा देते हैं। नहीं पते वो भी सोचते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है, देखी जाए। पर अर्जुन एडमिट कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता, कार्पण्य दोषो पता सो, मैं बहुत वीक हूं, बहुत दुर्बल हूं, बहुत कंफ्यूज हूं, अपनी वीकनेस बता रहे हैं। फिर पृच्छामी, सेकेंड ए क्या है? आस्क। अर्जुन ने फर्स्ट ए एडमिट किया, अपनी वीकनेस एडमिट की, मुझे नहीं पता। सेकेंड ए ही आस्क, क्योंकि मुझे नहीं पता तो मैं पूछता हूं। थर्ड ए त्वाम, तो उन्होंने आस्क किससे किया? त्वाम, कृष्ण से, एक अथॉरिटी से, एक राह पे चलते व्यक्ति से नहीं कर दिया। देखिए, हम सब में से किसी को गीता की नॉलेज नहीं है, हम सब में से किसी को लाइफ के गोल की नॉलेज नहीं है, और हम पूछते किससे हैं? आपस में एक दूसरे से पूछ लेते हैं, रिश्तेदारों से पूछ लिया, मित्रों से पूछ लिया, सहपाठियों से पूछ लिया, कुलीग से पूछ लिया, नेबर से पूछ लिया, पर अर्जुन ने किसी से नहीं पूछा। अर्जुन ने किसे पूछा? त्वाम, कृष्ण से पूछा, यानी अथॉरिटी, एक सुपीरियर है जिसको ज्ञान है, उससे पूछा, हर किसी से नहीं पूछा। फिर चौथा ए, यश श्रेय। श्रेय का मतलब होता है व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी, सो ही आस्क्ड एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन। अर्जुन ने कोई छोटी मोटी चीज नहीं पूछ ली, उसके लाइफ की जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी उसके बारे में। श्रेय का मतलब व्हाट इज लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल फॉर मी, दो होते हैं, एक होता प्रेय, एक होता श्रेय। प्रेय का मतलब बेनिफिशियल, बट शॉर्ट टर्म बेनिफिशियल।
श्रेय का मतलब होता है बेनिफिशियल बट लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल। तो जैसे एग्जाम्स हैं तो एक टेस्ट में अच्छे नंबर लाना प्रेयर है, मंडे टेस्ट होता है स्कूल में वो प्रेयर है, परंतु श्रेय क्या है, पूरी क्लास में अच्छे मार्क्स आना और क्लास से अच्छे मार्क्स लेकर नेक्स्ट क्लास में आना वो श्रेय है। मान लीजिए क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, 5 मैचेस की श्रृंखला है, तो केवल एक मैच के बारे में सोचना प्रेयर, 5 मैच सीरीज को जीतना श्रेय। उसी तरह अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करना प्रेयर, बट जीवन की वास्तविक समस्या को सॉल्व करना, वास्तविक गोल को समझना श्रेय। तो अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए व्हाट इज लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल फॉर मी, और फिर निश्चितम ब्रूहि तन में, तो वो एडल्टरेटेड आंसर नहीं चाहते, कोई उनको मेरा मन रखने के लिए आंसर मत करिए कृष्ण, जो भी सही है मुझे बताइए। देखिए कई बार हम पूछते भी हैं तो हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं और हम ऐसा उत्तर चाहते हैं जिसमें जो हम सोच रहे हैं हमें वही बताया जाए, हम वो नहीं सुनना चाहते जो हमारे लिए शायद कड़वा हो। पर अर्जुन इसकी चिंता नहीं कर रहे कि मैं कड़वा है या मीठा है, मैं पचा पाऊं नहीं पचा पाऊं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेरे लिए अच्छा है बेस्ट है विदाउट हेजिटेशन मुझे प्लीज कृपया करके बता। और छठा ये शिष्यास्तयाम सादि त्वाम माम प्रपन्नम, माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपसे किस भाव में पूछ रहा हूं कि मैं आपका शिष्य हूं, यानी सरेंडर्ड हूं, तो आई विल एक्सेप्ट वॉट एवर यू से। तो हम भी भगवत गीता की शरण ले रहे हैं, गुरु की शरण लेते हैं, तो हमारे पास ये 6 A's होने चाहिए। पहला एडमिट कि मुझे नहीं पता जीवन के रहस्य के बारे में, गीता के ज्ञान के बारे में नहीं पता, लाइफ के गोल के बारे में नहीं पता, रियल हैप्पीनेस कैसे मिले नहीं पता। नहीं पता तो क्या करूं, अपने आप तुक्के से जीवन चलाता जाऊं, नहीं, ऑलरेडी तुक्के से जीवन बहुत चला लिया, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल कितना खींच लिया तुक्के से, परंतु फिर भी इन द हार्ट ऑफ माई हार्ट आई नो डेट आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, दिस इज नॉट इट। जब मैं छोटा बच्चा था इसके पीछे क्या भाग रहा था मैं, जब मुझे सपने दिखाए गए थे क्या यही जो बन गया हूं ये इसके सपने दिखाए गए थे, नहीं कुछ और चीज थी, वो क्या चीज है, तो उसके लिए आस्क पूछिए। इसी हमारे सेशंस होते हैं तो सेशंस के अंदर Q&A सेशन करते हैं, तो वी शुड आस्क, द मोर वी आस्क द बेटर वी विल कैरी बैक होम, हम उतना अधिक ज्ञान अपने पास लेकर जा पाएंगे। तीसरा ए था अर्जुन ने किससे पूछा, कृष्ण से पूछा, तो हम भी किससे पूछे, कृष्ण हमारे सामने नहीं है पर कृष्ण हमारे सामने है किसके रूप में, भगवत गीता के रूप में है, कृष्ण में और भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है। तो जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से क्वेश्चन पूछे हम भगवत गीता से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और भगवत गीता हम में से हर व्यक्ति के हर क्वेश्चन को आंसर करेगी कर सकती है। चौथा ए अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, पांचवा ए एडल्टरेटेड आंसर नहीं चाहिए, मेरा मन रखने के लिए मुझे आंसर मत देना प्लीज, जो सही चीज है मुझे बताना, चाहे मेरे लिए मुश्किल हो उसको अप्लाई करना मैं कर लूंगा अर्जुन कहता है, पर मुझे सही चीज बताना कृष्ण। और छठा मैं आपके पास शिष्य के रूप में आया हूं, तो ऑब्वियसली जो आप बोलेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो इस तरह से फिर जो अर्जुन है वो ये क्वेश्चंस पूछते हैं कृष्ण से, और इसके बाद भी संजय उवाचा, संजय फिर बोलते हैं कि जो अर्जुन ने ये प्रश्न पूछने के बाद और बोला कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ मुझे नहीं पता क्या करूं, कृपया करके आप बताइए आपका शिष्य हूँ, तो फिर अर्जुन ने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसने अपना तीरों का उठाकर, और अब कृष्ण बोलने वाले, तो अब भगवद गीता आरंभ होने वाली है, और कृष्ण बहुत सबसे पहले अभी कृष्ण स्माइल कर रहे हैं, अर्जुन जो पूरा बोलते रहे तो कृष्ण केवल मुस्कुराते रहे, क्योंकि अर्जुन ने देखिए पहले पूरे चैप्टर में अर्जुन ने कृष्ण को बोला ही नहीं कुछ बोलने के लिए, वो खुद ही बोलते रहे और कृष्ण मुस्कुरा रहे। कई बार होता है ना हम भी जाते हैं अपने टीचर के सामने खड़े होते हैं या अपने बड़ों के सामने खड़े होते हैं, बोलते रहते हैं बोलते हैं, बड़ा ज्ञान देते हैं दूसरों को, बड़ा ज्ञान देते हैं बड़ा ज्ञान देते हैं, और दूसरा व्यक्ति हमसे बड़ा व्यक्ति है सुन रहा है सुन रहा है सुन रहा है सुन रहा है और मुस्कुरा रहा है, और जब हम बोलना बंद करते हैं बोल बोल के बिल्कुल एग्जॉस्ट बोलना बंद करते हैं तो व्यक्ति मुस्कुराता है, क्यों, क्योंकि हमें भी पता है कि जो हम बोल रहे थे उसको कुछ सिर पैर नहीं है, उसको कुछ बेसिस नहीं है।
यहाँ पे कृष्ण को पता है कि जो अर्जुन बोल रहे हैं उसका कुछ सिर पैर नहीं है, बेसिस नहीं है। तो कृष्ण एक्चुअली मुस्कुरा रहे हैं, और फिर मुस्कुराने के बाद अब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। तो यहां से होता है रियल भगवद गीता का मैसेज शुरू। और पहला ही श्लोक कृष्ण अर्जुन को लताड़ते हैं, डांटते हैं। श्री भगवान उवाचा अशोच्यन अन्व शोचस्तम प्रज्ञा वादाम से भाष्य से गतासुन अगतासुम न अनुशोषंती पंडिता। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम तो मूर्ख नंबर एक हो। प्रज्ञा वादाम से भाष्य से, भाषण, भाष्य से मतलब भाषण या बोल रहे हो। प्रज्ञा वादाम से तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम बहुत स्कॉलर व्यक्ति हो। नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, लोग मारे जाएंगे, मेरे को दया आ रही है, नहीं मारना चाहिए, पाप लग जाएगा, वर्ण संकर पैदा होंगे, समाज का बुरा हाल हो जाएगा, परिवार वाले नष्ट हो जाएंगे। तो बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हो अर्जुन, पर हो कौन तुम? मूर्ख नंबर एक, ना अनुशोचन की पंडिता। तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो, पर हो कौन तुम? मूर्ख नंबर एक। क्यों? क्योंकि पंडित कौन होता है? पंडित का मतलब वो नहीं जो पुजारी होता है मंदिर में जो आजकल तो गुटखा खाता है, नहीं नहीं वो नहीं। पंडित का मतलब ज्ञानी। तो अर्जुन तुम ज्ञानी की तरह बात कर रहे हो, पर तुम मूर्ख हो क्योंकि तुम अज्ञानी हो। क्योंकि वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान याद रखिए, वास्तविक ज्ञान है तीन चीजों के बारे में जानना। पहला मैटर या पदार्थ, दूसरा स्पिरिट सोल या चेतन, मैटर पदार्थ मतलब जड़ वस्तु, और दूसरा जिसमें प्राण नहीं है, दूसरा चेतन वस्तु आत्मा, और तीसरा इन दोनों का कंट्रोलर नियामक, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, इनका कंट्रोलर नियामक यानी कौन? भगवान। तो ज्ञान का मतलब है जड़ पदार्थ। ये टेबल आपके सामने है, ये बेड है, ये रूम है, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, ये सब क्या है? जड़ पदार्थ, इसमें जीवन नहीं है। दूसरा चेतन, आप मैं चिड़िया मुर्गा ये सब क्या है? चेतन, जिनमें लाइफ है, पेड़ इनमें लाइफ है। तीसरा इनका कंट्रोल, दोनों को कंट्रोल है कौन? भगवान। तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और आज भी मैंने शुरू बोला कि जिस तरह अर्जुन बहुत जेंटलमैन की तरह बात कर रहे हैं और बहुत लॉडेबल उनका वैल्यू सिस्टम है, और अर्जुन बता रहे हैं कि नीति शास्त्र से बड़ा है धर्मशास्त्र। क्योंकि नीति क्या कहती है? कि मेरी पत्नी के साथ बुरा हुआ, मुझे बदला लेना चाहिए। हम भाइयों का राज्य हड़पा गया, टिट फॉर टैट, मुझे बदला लेना चाहिए, मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध करना चाहिए, ये नीति। पर अर्जुन क्या सोच रहा है कि नीति से बड़ा क्या है? धर्म। और धर्म के उसने क्या बताया? करुणा का भाव, पाप, ये सब धर्म की बातें की। पर धर्म की बात करने पर भी अर्जुन कंफ्यूज है, डिप्रेस है। वाई? क्योंकि अर्जुन को ये नहीं पता कि धर्म शास्त्र से बड़ा क्या है? आध्यात्म शास्त्र। और यहां पर कृष्ण अब आध्यात्म की बात करने वाले हैं। फर्स्ट सेशन में क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम भी मैंने इसको डिस्कस किया था, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार ये पॉइंट आता रहेगा बीच बीच में। आध्यात्म शास्त्र, आध्यात्म का मतलब होता है मेरा और भगवान का मेरा अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व, मेरा और भगवान का संबंध, इसको बोलते हैं आध्यात्म। तो नीति शास्त्र से बड़ा है धर्म शास्त्र। धर्म का मतलब, और आजकल लोग अधार्मिक हो रहे हैं। हाँ क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं क्या इतने रिचुअल्स हैं, ये जो रिचुअल्स हैं इससे क्या फायदा होता है, खासतौर पे जो हमारे बच्चे हैं बिल्कुल से दूर जा रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वो धर्म का पालन करते हुए भी क्या कर रहे हैं? वहां पे करप्शन चल रहा है, धर्म के नाम पे लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए धर्म, और अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज है स्वयं। तो धर्म शास्त्र से बड़ा भी क्या है? आध्यात्म शास्त्र, जो यहाँ पर भगवान बोलने वाले हैं। अब सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, गीता सार, एक्चुअली जो पूरी 18 अध्याय की गीता है, पहला अध्याय तो अर्जुन का था, दूसरे से 18वां अध्याय है, इसमें कृष्ण जो भी अर्जुन को बोलने वाले हैं वो सबका एग्जेक्टिव समरी है सेकंड चैप्टर। समझ गए आप? आप ऑफिस में होते हैं, कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, तो टॉप मैनेजमेंट को आपकी रिपोर्ट नहीं चाहिए, 20-25 पेज की रिपोर्ट नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? एग्जेक्टिव समरी चाहिए, बस 2 पेज में बता दो कि क्या है इसका निष्कर्ष। तो सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता इज एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द एंटायर गीता। इसी को अब आगे के चैप्टर्स में डिटेल में और एक्सप्लेन किया जाएगा। क्यों?
पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, अलग अलग तरह के लोग हैं, उनकी अलग अलग तरह की रिसेप्टिव पावर है, एंटीना। जैसे अभी हम यहाँ मायापुर में हैं तो नेटवर्क के लिए मुझे एक डिवोटी की हेल्प ली, यहाँ पे एक ऑफिस है, नया मंदिर बन रहा है, उसका ऑफिस है, वहां पर बैठा हूँ, क्योंकि बाहर भी हो सकता हूँ पर बाहर सिग्नल वीक है, यहाँ सिग्नल स्ट्रांग है। इसी तरह अलग अलग लोगों के सिग्नल, किसी का वीक है किसी का स्ट्रांग, पर भगवत गीता के माध्यम से भगवान जिसका सिग्नल जितना मर्जी वीक हो, जिसका सिग्नल जितना मर्जी स्ट्रांग हो, उन सबको भगवान मैसेज दे रहे हैं। इसीलिए सबके क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए इसका एक्सपेंशन आगे के चैप्टर्स में होगा, और सेकंड चैप्टर इज प्राइमरी एग्जीक्यूटिव समरी, और इसमें श्लोक संख्या 11 से 30 जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर हम 2 सेशन में डिस्कस करेंगे, आज भी और अगली बार भी। तो आज हम 30 नंबर श्लोक में डिस्कस करेंगे। तो 11 से 30 श्लोक में भगवान अर्जुन के जो 5 रीजंस ऑफ नॉट फाइटिंग थे, सेकंड चैप्टर में सारे भगवान उसको एक एक करके हटा रहे हैं। तो पहला रीजन क्या था? कंपैशन। तो 11 से 30 श्लोक में भगवान उस कंपैशन को हटा रहे हैं कि अर्जुन जिस तुम कंपैशन की बात कर रहे हो वो गलत अंडरस्टैंडिंग है। तो फर्स्ट आप लोग फर्स्ट रीजन को भगवान डिसमिस कर रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं। तो अब मैं स्लाइड तो इसमें भगवान ने बोला है कि अर्जुन तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो, पर तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि किसके लिए शोक करें किसके लिए शोक नहीं करें, क्योंकि तुम कंपैशन की बात कर रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान अब 11 से 30 श्लोक में अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देंगे, क्योंकि अर्जुन शोक कर रहा था किसके लिए? अपने रिश्तेदारों के लिए। पर भगवान कह रहे हैं कि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि तुम मरने की बात करो तो मरता कौन है अर्जुन? मरता तो शरीर अर्जुन, पर तुम्हारे रिश्तेदार शरीर थोड़ा है, वो तो कौन है? शरीर में रहने वाली आत्मा है। और आत्मा क्या होती है? आत्मा अमर होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। तुम सोच रहे मर जाएंगे, कभी मरेंगे ही नहीं, क्योंकि शरीर मरेगा ये तो हमेशा अमर रहेंगे। तो शरीर और आत्मा में भेद बता रहे हैं, और ये मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट मैटर है हमारे जीवन को समझने के लिए, खासतौर पर भगवद गीता को समझने के लिए। जब तक हम आत्मा की शिक्षा को नहीं समझेंगे, आत्मा के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे, हम अपने लाइफ की हैप्पीनेस इमारत को बना नहीं पाएंगे। वी कैन ओनली ड्रीम टू बी हैप्पी, वी कैन ओनली विश, ओ इफ माई विशेज वर टू कम ट्रू, बट उसकी जो फाउंडेशन है दैट इज दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल। तो यहां पर हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, कई लोगों ने पहले की होगी, आप सब लोग भी कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए स्क्रीन के ऊपर, मुझे मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप भी करता हूँ, आप मुझे देखिए, और प्लीज जिन्होंने पहले किया है आप साथ में पार्टिसिपेट करिए, जिन्होंने नहीं किया आप भी करिए। मैं कुछ कहने वाला हूँ आपको मेरे पीछे रिपीट करना है, और कुछ करने वाला हूँ आपको एक्शन करना है, क्योंकि यहाँ भगवान ने क्या बोला कि अर्जुन शरीर और आत्मा में भेद है, और हम सबके लिए प्रभुपाद ने एक छोटी सी एक्टिविटी की 30 सेकंड्स की, उसमें बता दिया कि हर व्यक्ति समझ सकता है शरीर और आत्मा में क्या भेद है, और किस तरह हमारी जो लाइफ है आउट ऑफ इनकम्प्लीट इल्यूजन जी रहे हैं, मिस आइडेंटिफिकेशन। हम अपने लिए झगड़े करते हैं, हम सब जीवन में झगड़े करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने लिए झगड़े करते हैं, परंतु हमें तो यही नहीं पता कि अपना यानी मैं हूं कौन। तो छोटी सी एक्टिविटी है, आप सब प्लीज इसको जिन्होंने पहले किया है दोबारा करिए, नहीं किया आप भी लोग भी करिए, ठीक है? ये मेरा हाथ है, आप भी बोलिए, ये मेरा हाथ है, बोलिए, सब बोलिए, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं, ठीक है? बड़ी सिंपल चीज है, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं, ये मेरा सिर है, मैं सिर नहीं हूं, ये मेरी आंख है, मैं आंख नहीं हूं, ये मेरी नाक है, मैं नाक नहीं हूं, ये मेरा कान है, मैं कान नहीं हूं, ये मेरी गर्दन है, मैं गर्दन नहीं हूं, ये मेरा हृदय है, मैं हृदय नहीं हूं, ये मेरा पेट है, मैं पेट नहीं हूं, ये मेरा पैर है, मैं पैर नहीं हूँ, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूँ, ये मेरा सिर है, मैं सिर नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। बच्चा बच्चा इस बात को समझ सकता है, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। पर पहचान किससे करते हैं? सारा जीवन पहचान किससे? शरीर से। खाने की आवश्यकता किसको है? शरीर को। सोने की आवश्यकता किसको है? शरीर को। इंद्र तृप्ति, भोग, मैथुन, उसकी आवश्यकता किसको है? शरीर को। पूरा जीवन सुबह से लेकर रात तक कार्य किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए। पर है कौन? ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। हाँ, ये तो नहीं पता चला मैं कौन हूं, ये भगवान बताएंगे, गीता में बता रहे हैं, पर
पर कम से कम हर बुद्धिमान व्यक्ति केवल इस 30 सेकंड में देख सकता है कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, यानी मैं शरीर से कुछ अलग हूं। शीशे के सामने खड़े होते हैं, सजाते हैं, सवारते हैं, किसको? अपने आप को या शरीर को? मेरी हाइट 6 फुट, मेरी हाइट या मेरे शरीर की? मेरा रंग गोरा या मेरे शरीर का? मेरा वजन, मेरा फिगर, मेरा फिगर या मेरे शरीर का? मेरा धन या मेरे शरीर का? मेरी गाड़ी या मेरे शरीर की? मेरी जाति या मेरे शरीर की? मेरा देश या मेरे शरीर का? ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। स्टार्टिंग में ही सबसे पहले, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को बोला, तुम अर्जुन क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, युद्ध करूंगा नहीं करूंगा, दया का भाव, पाप की बात। अरे तुम्हें तो यही नहीं पता कि अर्जुन तुम कौन हो, दूसरों के हित की बात बाद में करना, पहले अपने बारे में तो समझ जाओ। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, हमारे घर में कोई मृत्यु होती है बड़े बूढ़े की, दादाजी चले गए, तो क्या बोले? दादाजी चले गए, दादाजी तो सामने लेटे हुए हैं, बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल लेटे हैं, सबके सब देखिए रो रहे हैं यहाँ पर, और फोन कर रहा होगा कोई व्यक्ति, दादाजी चले गए, रहे दादाजी नहीं रहे। अरे मूर्ख हो, पागल हो क्या? सामने तो है दादाजी, क्यों बोल रहे हो दादाजी नहीं रहे, क्यों बोल रहे हो दादाजी चले गए, सामने तो लेटे हुए हैं वो। पर हम बोलते हैं ना जी, हम बोलते हैं वो नहीं रहे, वो चले गए। इसका मतलब कौन चले गए, कौन नहीं रहे? यानी शरीर के अंदर कोई और एक चीज थी, जो विशेष चीज थी। वास्तव में पहचान उससे होनी चाहिए थी, पर पहचान उससे नहीं की। पहचान किससे की? केवल पहचान शरीर से करके हम घूमते रहे, शरीर के कारण झगड़े करते रहे, पर शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है और हम बोल रहे हैं वो चले गए। छोटा सा जल जाए तो हम बर्नौल लाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सिकाई करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं। और यहां पर पूरे के पूरे शरीर को क्या करेंगे? अभी हम जला कर आ जाएंगे। जब तक शरीर में प्राण थे तब तक इतना सा जलने पर उसका उपचार करते हैं, जब शरीर से प्राण चले गए तो शरीर को फेंक आते हैं, जला आते हैं, दफना आते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग उसके लिए अनुष्ठान किए गए हैं। तो यानी शरीर महत्वपूर्ण या शरीर में प्राण महत्वपूर्ण, कौन सा अधिक महत्वपूर्ण? प्राण महत्वपूर्ण। पर कार्य किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए। हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं जो हमारा शरीर है वो सब इन केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना है, केमिकल से मिलकर बना है, कैल्शियम, फॉस्फेट, 6 औंस सल्फर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डॉक्टर हैरी मॉन्सन ने रिसर्च की, इसके माध्यम से हमारे शरीर में जितने केमिकल्स, उनकी कीमत कितनी है? 110 रुपए। तो क्या आप में से किसी की कीमत 110 रुपए है केवल? पर हमारी साइंस बोलती है हमारा शरीर केमिकल से मिलकर बना है, और केमिकल्स की कीमत कितनी है? 110। बात सही है, हमारा शरीर केमिकल से मिलकर बना है, बात सही है, केमिकल्स की कीमत 110 है। पर क्या आपकी कीमत 110 है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पर अपनी पहचान तो शरीर से करते हैं और शरीर की कीमत तो 110 है। अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी स्तब्ध रह जाते हैं, कभी प्रेम करते हैं, कभी द्वेष करते हैं। ये सब फीलिंग्स कहाँ से आती हैं, इमोशंस कहाँ से आती हैं? इसका मतलब कोई और अंदर चीज है जो इन सबका सोर्स है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो जाता है, 1 करोड़ की गाड़ी है और 110 रुपए के आप हैं, क्योंकि शरीर की कीमत 110 है। तो 110 रुपए का शरीर, हमारा शरीर किससे बना है? पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। गाड़ी किससे बनी है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। गाड़ी 1 करोड़ की है, हमारा शरीर 110 रुपए का है। पर जब एक्सीडेंट होता है पहले बाहर किसको निकालते हैं? 110 रुपए के व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो अनमोल है, अनमोल। डॉक्टर साहब कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, जो कुछ है सब दे दूंगा, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर साहब बच्चे को बचा लो। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि बच्चा मतलब वो आत्मा, प्राण। जब तक वो प्राण है, जब तक वो आत्मा है, कितना कीमती है। जब प्राण चले गए सब कुछ चला गया। तो आत्मा का मतलब सोल, कॉन्शियसनेस। प्राण, प्राण किसका सिम्टम है? प्राण है सिम्टम सोल का, आत्मा का। तो आत्मा रियल थिंग है, आत्मा सनातन है, आत्मा इटर्नल है, शरीर नश्वर है, शरीर टेम्पररी है। आत्मा इस शरीर में आकर कुछ समय के लिए रहती है, आत्मा ही शरीर को चलाती है। जब आत्मा चली जाती है शरीर गिर जाता है,
मर जाता है और मैं और आप शरीर नहीं है। हमने समझ लिया था ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, तो कौन हूं मैं? तो भगवान पहले में ही शुरुआत में अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम शरीर नहीं, तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। तो अर्जुन जिस कंपैशन की बात कर रहे थे वो उस तरह की कंपैशन है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है पानी में डूब रहा है, नदी में गिर गया है और वो डूब रहा है और आप जाते हैं और उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाते हैं और बचाकर ले आते हैं बाहर, और बाहर जाकर क्या करते हैं उसका कोट और पैंट दिखाते हैं कि देखो मैं बच्चे को मैं वे व्यक्ति को बचा कर लेके आ गया। पर आपने क्या किया, उसके कोट पैंट को तो ले आए पर व्यक्ति को तो अंदर ही छोड़ दिया। हाँ, उसी तरह जिस तरह उस व्यक्ति का उस शरीर का कोट और पैंट आवरण था पर वो व्यक्ति तो अलग था, कोट पैंट अलग था, उसी तरह हाँ आत्मा का कोट पैंट है ये शरीर। तो अर्जुन तुम इस शरीर, ये शरीर अरे ये मारा जाएगा वो मारा जाएगा, यानी तुम अर्जुन कोट पैंट की बात कर रहे हो। हाँ, पर वास्तव में कौन है उस शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो मेन है और वो क्या है, वो इटर्नल है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये एक गाड़ी है, गाड़ी में क्या क्या है, टायर है, ग्रिल है, हेडलाइट्स हैं, टेल लैंप्स हैं, दरवाजे हैं, विंडशील्ड है, वाइपर है, गियर बॉक्स है, इंजन है, स्टीयरिंग व्हील है, सब कुछ है गाड़ी में। गाड़ी में सब कुछ होने के बाद क्या गाड़ी चल जाएगी? गाड़ी तब तक नहीं चलेगी जब तक क्या होगा उसमें एक ड्राइवर नहीं आ जाएगा। ठीक उसी तरह ये भी एक गाड़ी है, इसमें हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, आंखें हैं, नाक है, हृदय है, सब कुछ है, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ब्रेन है, सब कुछ है। पर क्या है, चल जाएगी गाड़ी? तब तक गाड़ी नहीं चलेगी जब तक एक आत्मा या सोल रूपी ड्राइवर इसमें नहीं आ जाएगा। तो इसलिए अधिक महत्वपूर्ण कौन है, आत्मा या शरीर? डेफिनेटली आत्मा। इसीलिए 12वें श्लोक में 11वें भगवान ने क्या बोला, बोलना शुरू किया, बोलते ही अर्जुन को लटा रहा, अर्जुन बड़े पंडित की तरह बात कर रहे हो, बड़े बड़े भाषण दे रहे हो, कंपैशन वगैरह, मूर्ख तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुम हो कौन। हाँ, और 12वें श्लोक में भगवान ने इमिडिएटली अब क्या किया, तुम कौन हो इसके बारे में ज्ञान देना शुरू किया। भगवान ने बोला ना त्व एवाहम जातु नाशम, ना त्वम नेमे जनाधिपः, न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। कि अर्जुन दो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं भगवान, अर्जुन न त्व एवाहम जातु नाशम, न त्वाम नेमे जनाधिपः। कि अर्जुन कोई ऐसा टाइम नहीं हुआ अहम त्वम जनाधिपः, अहम का मतलब मैं, अर्जुन कोई ऐसा टाइम नहीं हुआ जब मैं, ना त्वम अर्जुन कोई ऐसा टाइम नहीं हुआ जब तुम, ना इमे जनाधिपः अर्जुन कोई ऐसा टाइम नहीं हुआ जब ये सब राजा। कहां पे बात हो रही है, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सब राजा इकट्ठे हो रखे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन कोई ऐसा टाइम नहीं हुआ जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये सब राजा नहीं थे, न च एवा न भविष्यामः, और अर्जुन कोई ऐसा टाइम नहीं होगा जब मैं नहीं होऊंगा, तुम नहीं होगे और ये सब राजा नहीं। यानी हम सब कौन हैं, हम सब इटर्नल हैं। तुम अर्जुन, अर्जुन बार बार कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, अर्जुन कंपैशन की बात कर रहा था, युद्ध है मारे जाएंगे, नहीं, मैं नहीं मारना चाहता। अरे तुम किसके मारने की और बचाने की बात कर रहे हो अर्जुन, तुम तो शरीर की बात कर रहे हो, पर ये सब तो कौन है, आत्मा, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, ये सब आत्मा, आत्मा पहले भी थी आज भी है, आत्मा हमेशा से रहने वाली है। यानी भगवद गीता हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश करती है लाइफ में, द कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्निटी। और इटर्निटी का मतलब है इट गिव्स अ लॉन्ग टर्म विजन, लुकिंग बियॉन्ड टूडे। हम सब जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ चीजें चाहते हैं वो नहीं होती, कुछ चीजें नहीं चाहते वो हो जाती हैं, और हम क्या होते हैं उसमें बहुत परेशान हताश होकर बैठ जाते हैं, जैसे अर्जुन परेशान हताश होकर बैठ सकता है। अर्जुन का बैकग्राउंड अलग हो सकता है, अर्जुन की परिस्थिति अलग हो सकती है, हमारी परिस्थिति अलग हो सकती है, पर दोनों का आउटकम एक है। अर्जुन भी बैठ गया, हाय हाय क्या करूं क्या करूं, हम भी बैठ जाते हैं, हाय हाय क्या करूं क्या करूं। आंसर दोनों के लिए सेम है, अर्जुन के लिए भी वही है, हमारे लिए भी है, कि अर्जुन हम तुम शरीर नहीं है, तुम कौन हो, आत्मा। सो लुक बियॉन्ड टूडे, एक्नॉलेज पास्ट, जब आत्मा पहले भी थे आज भी है कल भी हो, मतलब पहले भी तुम थे तो
कुछ ना कुछ तुम्हारा पास्ट भी रहा है, आज जो भी हो तुम्हारा प्रेजेंट है, बट फ्यूचर फ्यूचर भी है. तो वी हैव टू अलाइन आर सेल्स विद दिस. हमारा पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, विशेष रूप से फ्यूचर भी है. इटर्निटी के माध्यम से हम लॉन्ग टर्म विजन्स, लॉन्ग टर्म गोल सेट कर सकते हैं, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से हम हताश होकर नहीं बैठ सकते, अपने आप को संभाल सकते हैं. व्हाट टू टॉक ऑफ दिस लाइफ, एक्चुअली देयर इज लाइफ आफ्टर दिस लाइफ ऑल्सो, बिकॉज आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा तो इटर्नल है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती. भगवान आगे के श्लोकों में ही बताने वाले हैं. और दूसरा कॉन्सेप्ट भगवान यहाँ बता रहे हैं, इंडिविजुअल. कोई ऐसा टाइम नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये नहीं थे, मतलब मैं अलग, तुम अलग, ये अलग, हम सब इंडिविजुअल हैं. कई बार लोग बोलते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, हाँ हम सब आत्मा है, हम सब एक है, या हम सब एक हो जाएंगे. जब हम आत्मा के लेवल पहुंचेंगे, हम सब एक हो जाएंगे, हम सब कभी एक नहीं होने वाले. आप अलग, मैं अलग, ये अलग, हर व्यक्ति अलग है. इसका मतलब ये भी है, डाइवर्सिटी. गीता दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हाँ, हम सब एक नहीं है, हम सब अलग हैं. हर व्यक्ति के लाइक्स अलग होंगे, डिसलाइक्स अलग होंगे, प्रोपेंसिटीज अलग होंगी, हैबिट्स अलग होंगी, इच्छाएं अलग होंगी. और डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स एंड विशेज, हम कभी भी एक नहीं हो सकते. हम सब एक मत हो जाएं, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप अलग है, मैं अलग हूं, सब इंडिविजुअल्स हैं. और आपका पास्ट अलग है, मेरा पास्ट अलग है, आपका प्रेजेंट अलग है, मेरा प्रेजेंट अलग है, इतने सारे हम लोग हैं. तो इसलिए देर विल ऑलवेज बी डाइवर्सिटी. सो गीता टीचेज अस यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हम सब डाइवर्स हो सकते हैं, बट फिर भी हम मतभेद हो सकते हैं, पर उस मतभेद को हम मन भेद में कन्वर्ट नहीं करें. वी शुड एक्सेप्ट, क्योंकि देखिए जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हम विशेष करते हैं, हम सब एक हो जाए, दुनिया में सब एक हो जाए, हिंदी चीनी भाई भाई नारा है. और आप देखते हैं हिंदी चीनी का क्या हाल चल रहा है आजकल, कितने सालों से चल रहा है. तो नारों से जीवन नहीं चलता, जीवन चलता है भगवद गीता की शिक्षाओं से. वी आर ऑल इंडिविजुअल्स, वी आर ऑल डाइवर्स. तो हम एक दूसरे की पोजिशंस को अंडरस्टैंड करें और रिस्पेक्ट करें और आगे बढ़ें. और फिर कृष्णा अगले श्लोक में बहुत ही ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं आत्मा के बारे में. देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्तरम यति. जो धीर पुरुष है अर्जुन, वो कभी घबराता नहीं, मोहित नहीं होता. क्या देखकर? ये देखकर. देखिए भगवान भगवान एक एनोलॉजी देते हैं. जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है जिस चित्र में आप देख रहे हैं, फिर और बड़ा होता है, फिर 10 साल का होता है, फिर 22 साल का होता है, फिर 40 साल का होता है, फिर 70 साल का होता है. तो व्यक्ति तो सेम है ना, उसका रूप बदल रहा है, उसकी हाइट बदल रही है, उसका शरीर बदल रहा है, पर क्या व्यक्ति बदला? नहीं, व्यक्ति तो सेम रहा. तो जिस तरह अर्जुन इसी जीवन में एक व्यक्ति अपना शरीर चेंज करता रहता है पर व्यक्ति सेम रहता है, उसी तरह जिसको तुम मृत्यु कह रहे हो, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है. क्या होता है? आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती. तो आत्मा हमेशा इटर्नल है. समझ रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हम देख रहे हैं इसमें बच्चा, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, चाहे 10 साल का हो या 30 साल का हो, माँ के लिए बेटा बेटा है. हालांकि उसका शरीर कंप्लीटली बदल गया है, परंतु व्यक्ति सेम है. उसी तरह मृत्यु का मतलब है कि आत्मा इस शरीर को छोड़कर किसी और शरीर में चली गई. और हम ये भी देख सकते हैं, एक फ्लैशबैक के माध्यम से देख सकते हैं, जब हम छोटे थे तो स्कूल जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, आनंद लेते थे, बड़े शैतानियां करते थे, दोस्तों का टिफिन चुराते थे, और फिर थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ाई में सीरियसनेस होनी शुरू हुई, फिर थोड़ा और बड़े हुए तो हम बहुत सिंसियर हो गए, करियर के बारे में सोचना शुरू किया. उसके बाद हमारी जॉब लग गई, ऑफिस में बहुत व्यस्त होना शुरू हो गए, और फिर अब तो टाइम भी बहुत कम था क्योंकि ऑफिस वॉज वेरी डिमांडिंग. तो सुबह से रात तक बहुत मेहनत करते थे और अच्छा भी लग रहा था काम करके. और फिर उसके बाद हमने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी की, उसके बाद एक और जॉब स्टार्ट किया या अपना कुछ स्टार्टअप कर लिया, उसके बाद विवाह हुआ तो हमारा अच्छा रिलेशनशिप हो गया. तो टाइम ऑफिस में स्पेंड करते थे, टाइम घर में स्पेंड करते थे,
फिर बच्चा भी घर में आ गया तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई, और किस तरह हम हमारी जो दिनचर्या है उसमें कुछ टाइम ऑफिस का, कुछ टाइम घर का, कुछ टाइम सोशल, किस तरह कर रहे थे, और करते करते ऐसे हम एक एक वॉक थ्रू कर सकते हैं लाइफ से। तो हम देख सकते हैं अगर आप इसको पूरा सोचने का प्रयास करें, सिचुएशंस बदलती जा रही, पर व्यक्ति तो कौन है, सेम व्यक्ति है ना। उसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते भी ये जो आत्मा है, बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाएंगे, जैसे हम देखते हैं घर में बुढ़ापे में, तो हम पीछे के कमरे में हैं, बस अकेले हैं, बाकी सब व्यस्त हैं अपने में, काम काज में, हम बैठे हैं, सोच रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं, कुछ मोबाइल देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कोई आएगा हमसे बात करेगा। फिर करते करते एक दिन क्या होता है, सडनली हमें आती है, मेड आती है, या कोई घर में बच्चा आता है, बुलाता है, हमें बुला रहा है, पर हम सुन नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम तो वहां से चले गए। तो उसके बारे में अगर विजुलाइज करने का प्रयास करें तो हम देख सकते हैं कि हम व्यक्ति सेम हैं, पर शरीर हमारा बार बार बदलता जा रहा है। तो यहाँ पर आगे के श्लोकों में भी भगवान बार बार एक्चुअली इसी के बारे में बताने वाले हैं कि अर्जुन जो आत्मा है वो सनातन है, शरीर, 16वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो सनातन है और जो शरीर है वो नश्वर है। और फिर यहाँ पर भी ये बोलते हैं आत्मा सनातन है, शरीर नश्वर है। तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे की हम और डिटेल्स में बाद में डिस्कस करेंगे, बट पॉइंट ये है कि भगवान बहुत डिटेल्ड वे में और रेपिटेटिव रूप में बार 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 यही चीज बता रहे हैं कि आत्मा सनातन है और शरीर नश्वर है। श्लोक संख्या 22 में भगवान एक और सुंदर उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं जैसे एक व्यक्ति, अभी रात का समय हो गया है और आप क्या करेंगे, सुबह से पहले कपड़े हैं उसको उतार कर फेंक देंगे और नए कपड़े धारण कर लेंगे। तो जिस तरह एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को फेंकता है, नए कपड़ों को धारण करता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देती है और नए शरीर को धारण कर लेती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, आत्मा एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने, 84 लाख तरह के कपड़े या शरीर भगवान ने तैयार किए हैं। इसमें से 9 लाख जलचर हैं, 20 लाख ट्रीज एटसेट्रा प्लांट्स, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षी, 30 लाख चार पैर पे चलने वाले यानी एनिमल्स, और 4 लाख मनुष्य, 84 लाख तरह के शरीर। तो मनुष्य भी एक तरह का शरीर है, परंतु लॉ ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, तो ये सब शरीर हैं। आत्मा कभी एक शरीर में जाती है, कभी दूसरे में जाती है, कभी तीसरे में जाती है, कभी चौथे में जाती है, कभी पांचवें में जाती है, अपने अपने कर्मों के अनुसार। जैसी जैसी आत्मा की इच्छा होती है, जैसे जैसा कर्म होता है, आत्मा को नया से नया शरीर जो है वो धारण करना पड़ता है, पुराने शरीर को छोड़ना पड़ता है, नया शरीर धारण करना पड़ता है। इस आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। अर्जुन का क्या क्या पॉइंट था, कंपैशन, कि सब मारे जाएंगे, भगवान कह रहे हैं आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं आत्मा इनडिस्ट्रक्टिबल, आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, आत्मा शाश्वत है। तो क्योंकि आत्मा शाश्वत है और क्योंकि मैं और आप आत्मा है, तो हमें क्या केवल आज के बारे में सोचना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जो केवल आज सैलरी आई और उससे क्या किया उसके बारे में सोचेगा, या सैलरी को कहीं ना कहीं सेव करेगा पूरे जीवन के लिए? नेचुरली सेकेंड। उसी तरह जो रियली बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या केवल इसी शरीर के बारे में सोचेगा जिसमें आज मैं हूं, या कल ये शरीर छोड़ के भी मुझे कहीं जाना पड़ेगा उसके बारे में कुछ सोचेगा और उसकी तैयारी करेगा? अगर हम एक घर में रहते हैं और लीज पीरियड खत्म होने वाला है, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? जो दूसरा घर लेना है उसके बारे में कुछ सोचेगा या नहीं सोचेगा, तैयारी करेगा या नहीं करेगा? उसी तरह आत्मा यानी आपको और मुझे, ये एक लीज एग्रीमेंट के अंडर ये एक घर मिला हुआ है और साइन हो रखा है लीज एग्रीमेंट, ये घर खाली करना पड़ेगा। 1 मिनट का नोटिस आएगा, 1 मिनट का नोटिस भी नहीं आएगा, सडन होगा, खाली करना पड़ेगा। जब तक नोटिस नहीं आता तब तक नोटिस है क्या करने के लिए,
अगले शरीर की तैयारी कर लेने के लिए, क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं होगी, शरीर नष्ट हो जाए, पर आउट ऑफ इल्यूजन हम क्या करते हैं, केवल इस शरीर के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचने में जीवन बिता देते हैं। तो आत्मा सनातन है, आत्मा इंडिविजुअल है, आत्मा का एक आकार है, आत्मा शरीर को बदलता है, आत्मा का साइज शास्त्र बताते हैं 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ हेयर, बाल की नोक का 1/10,000वां हिस्सा, आत्मा अचिंत्य, इतनी छोटी सी आत्मा जो देख नहीं सकती पर इतनी शक्तिशाली है कि हाथी जैसे भारी भरकम शरीर को हिलाती है। हाथी हाथी जब मर जाता है, जब हाथी की आत्मा चली जाती है, उसी हाथी को हिलाने के लिए कितने बड़े बड़े ट्रेलर लाके उसको हाथी को उठाया जाता है, रस्सी से पेड़ से खींचा जाता है उसको, पर जब आत्मा इतनी छोटी सी होती है, इतने भारी भरकम हाथी को वो, आत्मा कहाँ होती है, हृदय में रहती है। और आत्मा का नेचर क्या है, आत्मा सत चित और आनंद से बनी। तो इस आत्मा के कॉन्सेप्ट जो भगवान ने अर्जुन को बताया, उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, या क्या करें, ये जो ज्ञान इतना सारा मैंने आपको दे दिया आज, उसका हम क्या करें, हम आत्मा है। तो बहुत सुंदर भगवान ने श्लोक बोला, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपैनो नित्या स्थाम स्थितिक स्वभारता, सेकेंड चैप्टर वर्स नंबर 14। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस जीवन में सुख और दुख आएंगे और चले जाएंगे। जैसे क्या तुम्हारे बुलाने पे गर्मी आती है, नहीं अपने आप आती है, और क्या तुम्हारे प्रयत्न करने के बाद गर्मी जाती है, नहीं अपने आप चली जाती है, क्या तुम्हारे बुलाने पे सर्दी आती है, नहीं अपने आप आती है, क्या तुम्हारे प्रयत्न करने पे जाती है, नहीं अपने आप चली जाती है। जिस तरह सर्दी आती है चली जाती है, गर्मी आती है चली जाती है, ऋतु आते हैं बदलते रहते हैं, उसी तरह अर्जुन इस जीवन में सुख भी आएंगे और चले जाएंगे, और दुख भी आएंगे और चले जाएंगे। क्या करो, सहन करना सीखो, ताम स्थितिक्ष्व भारता, सहन करना सीखो। देखिए जब दुख की परिस्थिति आती है हम बोलते हैं सहन करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं सुख और दुख दोनों को सहन करो। जब सुख आता है तो हम पार्टी, मजा, आनंद, एंजॉयमेंट करते हैं, और दुख आता है तो हार्ट अटैक। भगवान कहते हैं दोनों को सहन करो, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, इस शरीर से संबंधित हैं, और क्योंकि शरीर टेम्पररी है तो इस शरीर से संबंधित सुख और दुख दोनों क्या हैं, टेम्पररी। तो इस शरीर से संबंधित सुख और दुख के चक्कर में इतना पागल मत हो जाओ कि अपने बारे में भूल जाओ। आप यानी कौन, आत्मा, क्योंकि आत्मा का नेचर क्या है, आत्मा सनातन है, और क्योंकि आत्मा सनातन है तो आत्मा से जो सुख मिलेगा वो सनातन सुख मिलेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति इटर्नल हैप्पीनेस के लिए जाएगा, परमानेंट हैप्पीनेस के लिए जाएगा, या टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए जाएगा, आप बताइए। एक क्षण की हैप्पीनेस मिलती है उसके लिए जाएगा, या कोई ऐसी चीज मिले जो हमेशा मेरे साथ रहे उसके लिए जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति परमानेंट इटर्नल ऑलवेज स्टेइंग हैप्पीनेस के लिए जाएगा, उसके लिए आत्मा के लेवल पे आना पड़ेगा, और उसके लिए शरीर से संबंधित सुख और दुख को सहन करना। तो अर्जुन इस शरीर से संबंधित सुख और दुख को सहन करो, और इसको करने से क्या होगा, भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस जीवन के सुखों और दुखों को सहन करके आध्यात्मिकता को परस्यू करेगा, उसको मोक्ष प्राप्त होगा, वो वास्तव में इस जीवन से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो परंतु हमारा सबका दुर्भाग्य यह है कि हम सब के बारे, हम सबको इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, इसके बारे में कुछ चिंतन नहीं करते। हमारे जीवन का लक्ष्य है जस्ट डू इट, जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है, हमारी सेंसेस को अच्छा लगता है वो कर लेते हैं। सेंसेस यानी बॉडी, सेंशुअल सुख यानी वो तो टेम्पररी है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। हम ऐसे बड़े बड़े किले बना रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होने, एक दिन जल जाने वाले। हमारा अपना शरीर, कई बार आप जाते हैं सी बीच पर जाते हैं ना, पूरा परिवार जाता है और सब लोग मिलकर, बच्चे बैठते हैं, खासतौर पर रेत से क्या करते हैं, घर बनाते हैं, और अगले सेकंड क्या आता है, एक सी वेव आती है और घर को बहा कर ले जाती है। उसी तरह पूरा जीवन हम लड़ाई कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे, इकट्ठा कर रहे हैं, और एक दिन एक सेकेंड क्या होना है, हम सबसे वो छीन जाने वाला है। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज को सही सेट करना है,
कंक्लूड करता हूँ इस छोटी सी स्टोरी को बताकर। ये माता जी हैं, महिला एक तोते को लेकर आई, तोते को बहुत प्यार किया। एक दिन के बाद तोता मर गया, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, पड़ोसी आई, फ्रेंड्स आई, क्या हुआ क्या हुआ, बोलती है तोते को लाई थी, तोता मर गया, तोता मर गया। अरे कहाँ है तोता, दिखाओ दिखाओ, तोते के लिए क्या किया तुमने? तो दिखाया, तोते के लिए मैंने बहुत सुंदर पिंजरा लाई थी। पिंजरा? अरे इतना पिंजरा चमक कैसे रहा है? अरे 24 कैरेट गोल्ड का पिंजरा है। और 24 कैरेट गोल्ड का पिंजरा लाई अपने तोते के लिए? हाँ। और क्या किया? इसको चमकाती रही चमकाती रही। अरे अपने तोते के लिए 24 कैरेट गोल्ड का पिंजरा लाई, उसको चमकाती रही चमकाती रही, तो तोते को कुछ खाने को दिया? ओह, वो तो भूल गई। उसी तरह हम सबके ये, किसी का 4 कैरेट गोल्ड, किसी का 10 कैरेट गोल्ड, किसी का 24 कैरेट गोल्ड का ये पिंजरा मिला हुआ है। अपने अपने कर्मों के अनुसार इन सब तोतों को ये पिंजरे मिले हुए हैं। कहीं पूरा जीवन इन पिंजरों को ना चमकाते जाएं। और तोता अंदर बोल रहा है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, तोते को खाने को कुछ नहीं दे रहे, तो तोता तो अशांत रहेगा। तो जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए तोता यानी आत्मा, हम उसके लिए कुछ करना है, जो कि हम भगवद गीता के सेशंस के माध्यम से कर रहे हैं। क्योंकि तोते की प्यास बुझेगी ज्ञान प्राप्त करके। ज्ञान क्या? अपने बारे में ज्ञान और भगवान के बारे में ज्ञान, और अपने और भगवान के संबंध के बारे में। दूसरा, सबसे पहले भगवान अर्जुन की लाइफ में अर्जुन को कंप्लीटली रिकैलिब्रेट करते हैं। अर्जुन कुछ और सोच रहे हैं, शरीर के लेवल पे कंप्लीटली मॉरल्स वैल्यूज की बात कर रहे हैं, पर शरीर के लेवल पे भगवान इमीडिएटली रिकैलिब्रेशन करते हैं और अर्जुन को शिफ्ट करते हैं किसके? आत्मा के लेवल पर। श्लोक संख्या 11 से 30 तक। उसके बाद सेकेंड चैप्टर में आगे के श्लोकों में भगवान अर्जुन के जो बाकी 4 रीजन्स थे युद्ध ना करने के, एक के बाद एक उसको भी धराशायी करेंगे। तो आज हमने विशेष रूप से इस सोल के बारे में डिटेल डिस्कशन किया, क्योंकि हमारी लाइफ के लिए फंडामेंटल है, बहुत फाउंडेशनल है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन देंगे आज के सेशन से संबंधित। तो हर्षिता माता जी, यू कैन प्लीज हेल्प मी। फर्स्ट जो वीडियो अनम्यूट हैं उनको हम पहले प्रेफरेंस। वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज रेज योर हैंड्स। तो पहले ब्रजेंद्र रावत प्रभु जी का वो है, वीडियो भी ऑन है। प्रभु जी, योर रिक्वेस्टेड। ब्रजेंद्र प्रभु जी, हाँ जी माता जी, हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, प्लीज हरे कृष्ण। प्लीज प्रभु जी, यू कैन आंसर योर क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी माता जी, मैं ये जानना चाह रहा था, प्रभु जी से ये जानना चाह रहा था कि पूरा गीता जी में जो बताया गया है कि आत्मा आत्मा जो है अटर्नल है, जितना जितना मतलब आप भय को खत्म कर देती है, जो इसका इसमें आप जितना डीपली जाएंगे उतना आपके अंदर जो फियर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ लेकिन प्रैक्टिकली फिर भी देखा जाए तो फियर को हम जो है अपने से दूर नहीं कर पाते हैं। जितनी मात्रा में हम अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव कर पाएंगे उतनी ही मात्रा में फियर चला जाएगा। अभी आत्मा मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, हमारे लिए थ्योरी है, पर जब प्रैक्टिकली अपने आप को आत्मा के रूप में रियलाइज कर पाएंगे जितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में हम शरीर से डिसोसिएट होंगे, डिटैच होंगे। हमारा फियर शरीर के कारण है, हमारा फियर पोजीशन के कारण है, हमारा फियर शरीर को कुछ क्षति ना हो जाए उसके कारण है, हमारा शरीर धन के कारण है जो शरीर से संबंधित है, हमारे सारे फियर शरीर से संबंधित है। जितनी मात्रा में अपने आप को आत्मा के रूप में रियलाइज कर पाएंगे उतनी मात्रा में फियरलेस हो जाएंगे। ठीक ओके ओके, थैंक है, यू प्रभु जी, थैंक यू। वो रियलाइज करने के लिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम, राम हरे राम राम हरे हरे, ये राम राम कंटिन्यूअस राम। सेशंस बार बार सुनेंगे सुनेंगे, अभ्यास करेंगे करेंगे करेंगे, तो धीरे धीरे रियलाइजेशन आए। ठीक हरे है कृष्ण, जी, हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे प्रियंका कृष्ण। माता जी, यू कैन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
प्रियंका माथुर जी, और भी जिन लोगों को क्वेश्चन पूछना है प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। रुचिर प्रभु जी नेक्स्ट आप हाँ पूछ प्रियंका सकते माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज अनम्यूट करिए। प्रियंका माता जी अनम्यूट करिए। रुचिर प्रभु अभी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, दो तीन बातें इकट्ठे अनम्यूट कर लीजिए। टाइम अर्शिता माता, आई थिंक दे आर नॉट एबल टू अनम्यूट देम सेल्स। हैं। एक मिनट प्रभु जी मैं चेक करती हूँ। अभी चाहिए। ओके हाँ ओके प्रियंका नाउ माजी इट्स बोलिए। हाँ। तो प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे भगवान कृष्ण सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, और फिर भी लेकिन इतनी सारी सफरिंग्स होती हैं, हम लोग इतना सफर क्यों करते हैं? मतलब हम लोग क्योंकि हम जब अपने आप को शरीर उन्हीं समझते की हैं, क्वालिटी है हमारे अंदर, उन्हीं क्योंकि हम अपने की आप को शरीर समझते हैं। जब हम शरीर नहीं समझेंगे, आत्मा समझेंगे, सफरिंग है ही नहीं। आप देख सकते हैं, हम अपने गुरुजनों को देखते हैं जो आत्मा के लेवल पर हैं, उनको कोई सफरिंग नहीं है। क्योंकि उनकी आवाज सुनो, क्या सुना हम क्योंकि सारी सफरिंग शरीर की है, और क्योंकि हम अपने आपको शरीर से रिलेट करते हैं, इसलिए सफरिंग लोग क्वेश्चन पूछ पूछते हैं कि हमें सफरिंग हो रही है रहे हैं। तो ना। सर जब हम दूसरी बॉडी में जाते हैं तो हमें बहुत सारी पुरानी चीजें कैसे याद रहती हैं? मतलब कुछ चीजों कुछ किसी किसी को याद रहती है, और पुराने कर्मास कैसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं? हाँ तो उससे वो तो है ही, मतलब कर्मा तो जाते ही जाते हैं। आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर तक कर्म लेके जाती है, और कई बार याददाश्त भी थोड़ी थोड़ी लेकर जाती है। तो मतलब आत्मा के साथ और भी चीजें जाती हैं हमारे यहाँ। आत्मा के साथ, ओके आप क्वेश्चन ये है, तो आत्मा के साथ हमारे दो तरह के शरीर होते हैं। एक होती है ग्रॉस बॉडी, एक होती है सटल बॉडी। जो ग्रॉस अच्छा बॉडी है वो अर्थ वाटर फायर एंड ईथर्स, उसको बोलते हैं स्थूल शरीर, जो हम देख रहे हैं, जिसको जलाते हैं, दफनाते हैं, वो शरीर तो यहीं खत्म हो जाता है। पर आत्मा के साथ सटल बॉडी साथ में जाती है। सटल बॉडी है मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। ये आत्मा के साथ जाती है दूसरे शरीर में भी। इसीलिए पिछले जन्म के संस्कार हमारे साथ जाते हैं, कोई ऐसे थॉट्स जाते हैं, कई बार विचित्र थॉट्स आते हैं, विचित्र ड्रीम्स आते हैं, इस जन्म में देखे नहीं। वो क्यों है? क्योंकि पिछले जन्म से मन आत्मा के साथ लेकर आया हुआ है। पर जब हम आत्मा के लेवल पहुंचते हैं तो हम इस सटल बॉडी को भी छोड़ देते हैं और भगवान से रिलेट करते हैं, भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है माता जी? ओके थैंक यू प्रभु। तो स्थूल शरीर इसी जन्म में खत्म हो जाता है, पर सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ साथ जाता रहता है, जाता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक कि आत्मा फाइनली प्योर होकर इस जगत से निकलकर भगवान के पास नहीं जाती। जब भगवान के पास जाती है तो फिर सूक्ष्म शरीर में यही छूट जाता, अहंकार यही छूट जाता। ठीक है, हरे कृष्ण। रुचिर प्रभु जी रुचिर प्रभु रुचिर प्रभु अनम्यूट करिए प्लीज अपने हरे आप को। कृष्णा माता जी, उनका मैसेज आया हरे हुआ है दैट कृष्ण, ही इज नॉट एबल। हो गया अनम्यूट हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी एक मिनट मेरा अर्शिता प्रश्न जी, दो नेक्स्ट नाम बताइए, उनको अनम्यूट आप भी करिए, मैं भी करता हूँ। दो नेक्स्ट नाम बताइए। हाँ रुचिर प्रभु, रीति माता जी एंड हनी माता जी, यू कैन प्लीज अनम्यूट। हाँ प्रभु जी बताइए। रुचिर प्रभु, ये आज हमने आपने जो बताया 84 लाख योनियां हैं, उसमें 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज हैं, तो वो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज? दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस। कई बार हम देखते हैं आपस में, शारीरिक रूप से तो हम एक हैं, मैंने बताया ना दो तरह के शरीर हैं, एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल में सब मनुष्य हैं, पर कई आदि मानव होते हैं, वो भी मानव हैं, वो भी मनुष्य हैं, उनके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, पर वो जंगल में रहते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, मांस खाते हैं, है ना। उसी तरह हमारे बीच में लोग हैं, कई बोलते हैं ये तू तू मनुष्य है क्या, हमारे आसपास लगते हैं ना कि तू मनुष्य है क्या, ये जी ऐसे कैसे हो सकता है, ये है ना। तो वो ग्रॉस बॉडी वही है, पर उसकी कॉन्शियसनेस कंप्लीटली डिफरेंट, तो उस रूप से। धन्यवाद जी। हरे हरे कृष्ण, थैंक कृष्ण यू। हाँ जी रीति माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे अभी जैसे आपने इतना आत्मा का जैसे ज्ञान मिला है, और जैसे हम जानते भी है ना हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन गुरु जी प्रभु जी जैसे अभी क्या होता है कि जरा सा अगर मोबाइल भी गिर जाए तो हाय मेरा मोबाइल गिर गया, ऐसे निकल जाता है, भी आता है हर चीज में क्योंकि हम अशुद्ध हैं, तो क्योंकि हम अशुद्ध हैं। देखिए आत्मा जो है
वो करोड़ों जन्मों से इस संसार में है। मतलब इतना पोल्यूशन, लेकिन हम बाहरी पोल्यूशन की बात करते हैं, मेन पोल्यूशन तो हमारे अंदर है। हम इतना कंटेमिनेशन लेके चल रहे हैं, तो इसको साफ करने में टाइम लगेगा। हम ऐसे नहीं सोचें कि एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में हो जाएगा। इसके लिए पॉइंट ये है कि हम समझ जाएं आत्मा है, तो इसका मतलब उस आत्मा के शुद्धिकरण के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा। हम बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए पूरा दिन रात एक करा देते हैं, 20 20 साल इतना मेहनत कराते हैं। नहीं, कुछ भी जीवन में कोई बिजनेस करे कितनी कितनी मेहनत करते हैं, उस तरह आत्मा के लिए भी हमें एफर्ट करना पड़ेगा, इंटेंस एफर्ट करना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, पर हम भक्तों के साथ में सही प्रोसेस को अप्लाई करें तो धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होता रहेगा। ठीक है, हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण। विशाल प्रभु जी, यू कैन प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि आत्मा परमात्मा में लीन होती है? नहीं होती, नहीं होती है। इसीलिए हमने पहले ही बताया, भगवान ने जैसे ही बोलना शुरू किया, दूसरे जगह 11वां श्लोक, भगवान ने कहा कोई ऐसा टाइम नहीं था, तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा नहीं थे। कोई ऐसा टाइम नहीं है, तुम नहीं होंगे, मैं नहीं होंगे, राजा नहीं होंगे। तो हम सब शाश्वत है, हम सब इंडिविजुअल है। भगवान ने बोला मैं अलग इंडिविजुअल हूँ, तुम अलग इंडिविजुअल हो। कोई आत्मा भगवान में लीन नहीं होती, आत्मा अलग है, भगवान अलग है। आत्मा जब शुद्ध हो जाती है तो भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा करती है, पर लीन नहीं होती। ओके ओके। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू। मेरा रिक्वेस्ट है, जिनके क्वेश्चंस आंसर हो गए हैंड्स नीचे कर सकते हैं प्लीज। हनी माता जी, यू कैन आज प्लीज आस्क। हनी माता जी, हनी माता अनम्यूट करिए अपने आप को। ज्योति माता जी, ज्योति माता जी, हाँ जी। हरे कृष्णा, हाँ हरे जी, कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे। एक मेरे दो दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि मैं कौन सा जुड़ना चाहती हूँ, वो उसके लिए प्लीज आप मुझे गाइड करें प्रभु जी। और दूसरा, हमको कब पता चलता है कि हमारी सोल अब रेडी है अवेकन होने के लिए या फिर नॉलेज लेने के लिए? तो पहला क्वेश्चन, माता जी आप ऑलरेडी जुड़ गए। आप सेशन जुड़ने का मतलब है इस कौन से कि हम इस कान से सुने और उसको धारण कर लें, इस कान से हाँ सुन जी, के इस कान से निकाले नहीं। तो हाँ जी, आप, यू आर वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, आपने सेशन ज्वाइन किया है। तो जुड़ने का मतलब देखिए, इस्कॉन क्या है? इस्कॉन एक सोसाइटी है जो हमें ये मैं सबसे इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट क्लास में भी नॉलेज हूँ। दे रही है, भगवद गीता की नॉलेज। हाँ जी, तो क्लास आप ये में सेशन भी। से बने हुए हैं, तो आप जुड़ गए। हमें ये नॉलेज को लेना है और नॉलेज को लाइफ में अप्लाई करना है ना। हाँ जी, तो आप, और आप कहाँ रहते हैं माता जी? मैं बदरपुर में ही रहती हूँ। 37 जो है ना, वेरी 37 गुड। फरीदाबाद वाला जो इस्कॉन हाँ, है, तो आप उसके टेंपल बहुत में, ही नियर बाय, मतलब 10 मिनट्स वेरी का गुड रास्ता। वेरी गुड। तो आप टेंपल में आके दर्शन भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप सेशंस हाँ जी, अटेंड कर रहे हैं। तो बस इस्कॉन के साथ हाँ जुड़ने का जी, मतलब है इस्कॉन की टीचिंग्स। इस्कॉन की टीचिंग्स मतलब भगवान की टीचिंग्स, गीता की टीचिंग्स को समझना और लाइफ में अप्लाई करना। दूसरा, आत्मा जी, को कैसे पता चलता है? तो एक भूखे व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि मेरी भूख मिट गई? जब वो पौष्टिक खाना खाता है तो ऑटोमेटिकली किसी बाहर के हाँ व्यक्ति को जी, बताना नहीं पड़ता। उसी तरह जब हम यहाँ पर आकर इस्कॉन के साथ जुड़कर, गीता के साथ जुड़कर, गीता की टीचिंग्स को अप्लाई करते हैं, बार बार गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, साथ में हरे कृष्ण भवन चैंटिंग करते हैं, हम खुद ही अपने आप में अनुभव करते हैं, वी आर मोर सेटिस्फाइड देन अर्लियर, वी आर कमिंग क्लोजर टू द लॉर्ड देन अर्लियर। पहले भगवान से दूर थे, अभी और पास आ गए। पहले कुछ गंदी आदतें थी, वो आदतें छूटनी शुरू हो गई। हम खुद ही अपने शुद्धिकरण की यात्रा देख सकते हैं। जी, जैसे कई बार लोग बोलते हैं, 2 3 सेशन अटेंड करने का बोलते हैं कि प्रभु जी पहले बहुत गुस्सा आता था, अभी गुस्सा आता है पर कंट्रोल कर लेता हूँ। जैसे आज बताया ना, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्त्या, अर्जुन सहन करना सीखो। तो सहन कई बार करना एक सेशन सीखना। अटेंड करके लोग कहते हैं हाँ मैंने सुना और ये बात समझा कि मैं तो आत्मा हूं। जब मैं आत्मा हूं तो फिर छोटी छोटी चीजों में झगड़ा क्यों कर रहा हूँ? तो झगड़ा करने की प्रवृत्ति कम कर देते हैं, मतलब हमारा शुद्धिकरण हो रहा है ना। तो हम कंटिन्यूअसली जितना हम एसोसिएशन करेंगे, सत्संग करेंगे, उतना हमारा प्योरिफिकेशन होता रहेगा। ठीक है, आपका म्यूट हो गया है, आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हो गया माता जी। हरे कृष्णा। ज्योति आशीष प्रभु जी, आप प्लीज पूछ माता सकते हैं। जी अनम्यूट थी पहले, ज्योति माता जी। हाँ ज्योति माता जी बोलिए प्लीज। हाँ, हरे जैसे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, जी। जैसे आपने बताया कि शरीर जो है हमारा, उसका एक जर्नी होता है। बचपन में आपने एक प्रेजेंटेशन दी कि
कि हम बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं, ये सब होते हैं, साथ में हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन हमारा मन तो ट्रांसफॉर्म होता है। जब हम छोटे होते हैं हमें इनोसेंस होता है, हमें खुशी अपने आप मिलती है, जैसे हम सचिदानंद रूप में होते हैं, पर जब हम बड़े होते हैं तो हमारा मन वैसा नहीं रहता, लालची हो जाता है। जैसे हम यंग होते हैं तो हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, जब हम मिड लाइफ में आते हैं तो हमें एक डिप्रेसिव मोड आता है कि सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। तो फिर वहां पे वो मन है कि वो आत्मा है जो ये भावनाएं बदल रही है हमारी। माता जी, आत्मा का रियलाइजेशन अभी बहुत दूर है हमारे लिए, क्योंकि हमें तो नॉलेज ही नहीं है आत्मा की। हम तो मेनली मन के लेवल पे ही काम करते हैं, है ना? तो ये मन क्या करता हमारा है? बार बार बदलता है, हाँ तो हाँ फिर जी हम आत्मा की साधना कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल भी, हमें तो झलक भी नहीं मिल रही है। हाँ बिल्कुल। सिर्फ तो इसीलिए एक इस छोटी सी आदत जैसे चाय पीना भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो हम जी आत्मा तक कैसे पहुंच पाएंगे? समझ नहीं आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको इसको जप करिए। हरे कृष्णा मन भगवान को एक प्रार्थना है, भगवान मैं तो आत्मा हूँ, आपका अंश हूँ, पर कितना अज्ञान में हूँ, शरीर से कितना अपने आप को मैंने जोड़ रखा है, रिविटिंग कर रखा है कि अपने अस्तित्व के बारे में पूरा भूल चुकी हूँ। तो भगवान आपकी कृपा के बिना नहीं हो पाएगा। इस भाव से, हाँ, जैसे बच्चा माँ को पुकारता है रोकर, इस भाव से भगवान को पुकारे हरे कृष्ण हवन करके, हर रोज इसकी चैंटिंग करें, साथ में गीता पढ़ें, इन सेशंस में जुड़े रहें, तो धीरे धीरे आप अपने आप ही देखेंगे कि मैंने पहले ही बोला कि हम अपने आप को प्योरिफाइड फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। एक और हाँ जी प्रश्न पूछना है। जैसे जी जी हमें जी हमें भगवान की बहुत पूजा करती हूँ, पर हमेशा किसी स्वार्थ भावना से करती हूँ, भगवान हाँ मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, अपनी आत्मा के लिए कर ही नहीं पाती हूँ, तो वो कैसे हम लोग उससे भी वेरी बाहर गुड कैसे आए? वेरी गुड, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो क्योंकि पूछा है तो भगवान को भी यही प्रार्थना करिए कि भगवान वो सब तो है मुझे, अब मुझे शरीर के लिए नहीं भगवान, मैं तो अपनी आत्मा के लिए मांग रही हूँ। और शरीर के लिए हम जितना मर्जी भगवान को प्रार्थना करें, भगवान देते हैं, पर साथ में हमारे कर्मों के अनुसार भी होता है। पर जब एक आत्मा भगवान को प्रार्थना करती है आध्यात्मिक लाभ के लिए, तो भगवान 100% उसकी हेल्प के लिए आ गया, है ना? थैंक यू। बहुत अच्छा रियलाइजेशन है कि अभी तो क्यों शरीर के लिए मांग रहे थे, वो छोड़िए, उससे मांग के क्या फायदा हो गया, मिल भी गया उससे क्या मिल गया, मिलकर भी कुछ नहीं मिला, मिल भी जाता है पर तसल्ली नहीं होती। नहीं होती। हाँ, तो इसलिए अब हम भगवान को यही प्रार्थना करें कि भगवान रियल तो अपनी आइडेंटिटी आत्मा से है, मेरी ये रियल जर्नी है, अब मैं इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे शक्ति दीजिए, इसके लिए मुझे ज्ञान दीजिए, है ना? और ठीक हरे है कृष्ण ठीक भगवान को जरूर चैंट करिए, ठीक है। अगर आप अभी नहीं करते हैं तो कम से कम 15-20 मिनट का समय निकालिए, बोल बोलकर और एक हरे कृष्ण कृष्ण अगर कृष्ण समय हरे है हरे। तो और एक क्वेश्चन पूछना है। अगर आप चैंटिंग का बार बार बोल रहे हैं, एक बार मुझे जैसे सपना आया था कि मैं चैंटिंग कर रही हूँ श्री कृष्ण हरे मुरारी, और मैं बार बार सपने में कह रही हूँ मुझे ये चांट नहीं करना, मैं थक गई हूँ चांट करते करते। ऐसा सपना क्यों आया मुझे? अभी तक उसका आंसर नहीं मिला। क्योंकि मन मन रिवोल्ट कर रहा है, मन रिवोल्ट कर रहा है, तो मन की बात मत सुनिए, है कि आई ना? वॉन्ट टू शास्त्रों स्टॉप की दिस, मैं रोक ही नहीं पा रही हूँ, मैं ये चैंटिंग रोक ही नहीं पा रही हूँ, ऐसे मुझे सपना आया था। हाँ, तो अच्छी बात है, रोक चैंटिंग मत रोकिए, चैंटिंग करते रहिए, मन जो मर्जी बोले, और खास तौर पे थैंक हरे कृष्ण हवन करिए, है ना? थैंक यू थैंक यू। यू, हरे कृष्ण। आशीष प्रभु जी आप पूछ सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे मेरे हरे को इस्कॉन टेम्पल आते होते, मतलब 37 वाले, मैं 31 में रहता हूँ, मतलब मेरे को 1 ईयर से ऊपर हो गया और मैं चैंट भी कर रहा हूँ। लेकिन प्रभु जी, मेरे को जैसे अगर मान लो अगर कल मेरी मीटिंग है और आज मेरी छुट्टी है, तो मुझे एक दिन पहले से ही एंजाइटी शुरू हो जाती है। मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मतलब मैं मंदिर आता हूँ, जैसे मैं आज मंदिर आया था मंगला आरती में, मतलब लेकिन मेरी एंजाइटी, मतलब बहुत कोशिश करने के बाद भी थोड़ी देर ठीक हो जाती है लेकिन फिर शुरू हो जाती है। मतलब इतनी ज्यादा एंजाइटी होती है और इतना फियर होता है, मतलब और मेरा मन करता है मैं किसी से बात करूं इस कॉन में आके, लेकिन एक थोड़ी सी ना झिझक होती है। जैसे मैं आपको भी देखता हूँ, कभी काफी टाइम से मैंने आपको देखा, मतलब हम एक दूसरे के सामने भी आए, तो एक मतलब कैसे कैसे कनेक्ट कर पाऊंगा, जैसे मैं आपसे झिझक कभी मत कनेक्ट करिए, कर। हेजिटेट मत करिए। हमने सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 7 में ये देखा और यही सीखा कि अर्जुन ने हेजिटेट नहीं किया, अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, जो हमारे लाभ की चीज है पूछनी चाहिए। तो हेजिटेट मत करिए, आप मंदिर में आते हैं तो मिलिए, डिटेल रूप से हम डिस्कस कर सकते हैं, जो आप चैंटिंग कर रहे हैं,
किस तरह की चैंटिंग कर रहे हैं, किस टाइम चैंटिंग कर रहे हैं, कई डिटेलिंग होती है उसमें, है ना, हाँ जी हम डिस्कस कर सकते हैं। जी डोंट हेजिटेट। हाँ अच्छा, जी बहुत अच्छा है कि आज आपने हेजिटेट नहीं किया, पूछा है, और आपको क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप आकर मिलिए, है ना, और आप क्योंकि जी ऑलरेडी चैंट कर रहे हैं तो आप उसकी और डिटेलिंग के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी। और प्रभु जी तनिष्क देखिए, एक एक क्वेश्चन हो रहा है प्रभु जी, जैसे मतलब हमें एनजाइटी होती है, तो अब मेरे को ये अमेरिकल अगर मीटिंग है तो मुझे ये पता है कि क्या होना है, लेकिन मतलब इतना फियर तो चैंट करने से, और मतलब क्या हम कर सकते हैं अंदर से, ये भगवत क्लास तो मैं कर रहा हूँ आपके साथ। पहली बात तो देखिए, एंग्जाइटी है तो उसका मुझे नहीं पता, जैसा ऑफिस है आपका तो उसके लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैंट करें तो एंग्जाइटी हाँ चली जी जाएगी। ऑफिस हाँ में जा जी रहे हैं तो आपको उसके लिए, आपकी मीटिंग है उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है आपके बॉसेस का, उसके लिए भी आपने आपको तैयार करना चाहिए। आप मतलब हम चैंटिंग को यूज नहीं कर सकते कि अपनी ऑफिस की इनएफिशिएंसी को ढकने के लिए, है ना। तो इसलिए ये डिटेलिंग्स हैं, ये आप कभी आकर डिस्कस करेंगे तो हम बात करते हैं। थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी पहले तनिष्क प्रभु जी का प्लीज क्वेश्चन ले लेते। ओके, हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। प्रभु कृष्णा। जी मेरा क्वेश्चन, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, प्रभु जी जैसे हमारी मतलब प्रभु जी थोड़ी यंग एज है तो अट्रैक्शन हो जाता है प्रभु जी दूसरे जेंडर की तरफ, पर प्रभु जी मतलब जैसे मैं चीजें सुनता हूँ थोड़े बहुत, एक दो लेक्चर सुनता हूँ तो उनमें बताते हैं कि हमारे मन में लस्ट होता है कि हम बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रभु जी कुछ मतलब हमारे ऐसे रिलेशंस भी होते हैं लाइफ में जो मतलब हम उन्हें उस नजर से नहीं देखते कि हम मतलब उन्हें भोगने की नजर से या सेक्स की नजर से नहीं देखते, लेकिन हम उनसे डिटैच नहीं हो पाते, हम उनसे अटैच ही फंसे रह जाते हैं। तो प्रभु जी मतलब इन अटैचमेंट से कैसे छूटे कि हम उनके बीच में भी रहें लेकिन उनसे अटैच ना रहें इतना ज्यादा देखिए, लूज आपने ना। बताया आप यंग हैं और यंग होने के बाद ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अच्छी बात है, इसका मतलब ऑलरेडी प्योरिफिकेशन हो रहा है, वरना आजकल कौन इसके बारे में सोचता है। लोग तो अटैचमेंट्स की बात करते हैं, अटैचमेंट्स में नहीं क्या क्या काम भी करते हैं। आप इसके बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब आप जो भी एसोसिएशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गीता का सेशन कर रहे हैं, कुछ चैंटिंग भी कर रहे हैं, वो काम कर रही है। तो आपको ऑलरेडी आप जज कर पा रहे हैं, डिटर्मिन डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, और आपको पता है कि मेरे को ये गलत भावनाएं हैं। तो जैसे आपको डिस्क्रिमिनेशन पावर आई है आपकी चैंटिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, उसी तरह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे तो आपका और प्योरिफिकेशन होगा, तो फिर आप जो चीज़ से हटना चाहते हैं भगवान की कृपा से हम लोग उससे हट भी पाएंगे। बट तब तक हमें कंटिन्यूसली फाइट करना है। देखिए, इसीलिए भगवान ने बोला सहन करो। देखिए, क्योंकि हमारी इंद्रियाँ हैं तो हमारी इंद्रियाँ तो भागेंगी भागेंगी, हमारी सेंसेस अपने ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागेंगे भागेंगे, बट हमें उनको सहन करना, ठीक है, हमें उस पर एक्शन नहीं करना। सेंस ऑब्जेक्ट के पीछे गई, वापस लेकर आओ, फिर ऑब्जेक्ट के पीछे गई, वापस ले, उसको सहन करना है, उसमें आगे कुछ में नहीं, ठीक है। तनिष्क प्रभु जी, स्वाति माता जी प्लीज आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी वर्स नंबर 7 की अभी बात हो रही थी जिसमें आपने बोला कि अर्जुन ने फाइनली सरेंडर करा और भगवान कृष्ण को अपनी अपनी सिचुएशन बताई और उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, और उन्होंने सीधा भगवान से पूछा तो उनको राइट आंसर मिला। ऐसे हम अपनी लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारी जिधर जिधर हम फंसे हुए हैं, हम कैसे जाने कि हमारे लिए राइट गुरु कौन है जिनसे हम पूछ सकते हैं, जो हमें सही सलाह देंगे और जिनसे हम आगे ग्रो कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर वेरी गुड पाएंगे। क्वेश्चन। तो पहले तो हमारे पास भगवद गीता है, तो कृष्ण हमारे पास गीता के रूप में अवेलेबल हैं, तो हम गीता को ही पढ़ें। और दूसरा, गुरु का मतलब है वो जो खुद गीता को जानते हैं और गीता को फॉलो करते हैं, है ना। तो उनसे हम जो गीता को जानते हैं, गीता को फॉलो करते हैं, उनके पास हम जाके प्रश्न पूछ सकते हैं, और फिर हम देख सकते हैं। चेक बैलेंस सिस्टम भी होता है हमारे पास, कि जो गुरु बोल रहे हैं गीता में भी वही लिखा है या कुछ अलग बोल रहे हैं। गुरु ने कोई अपनी गीता तो नहीं शुरू कर दी अलग से, क्योंकि मूल गीता तो भगवान ने बोली है ना। तो इस तरह से हमें अंधविश्वास, आजकल अंधविश्वास बहुत है गुरु के नाम पर। हम भी धोखा खाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं सस्ते रूप से कोई गुरु मिल जाए, बस कोई सस्ता सा तरीका दे दे, तो इतने सारे गुरु बन गए हैं जो भगवान का नाम लेते हैं, गीता का नाम लेते हैं, पर मैसेज पता नहीं कौन सा अपना ही कुछ बना के दे देते हैं। तो इसीलिए हमारे पास सबसे पहले गीता है, तो गीता को खोल के खुद ही उसमें जान पाएंगे कि
क्या गीता का मैसेज है, और फिर पर्सनल मार्गदर्शन के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। तो हम देख पाए गुरु वही बात बोल रहे हैं जो भगवान ने बोली है, तो वो गुरु, गुरु भगवान को हटा के अपनी बात बोल रहे हैं तो वो गुरु नहीं, वो ढोंगी है। तो जैसे हम जैसे हम अपने पेरेंट्स के पास सबसे पहले हमारे जो गुरु हैं जिन जिनसे हमने लाइफ, तो हम उनके पास जाते हैं, बट कई बार जब हम जो वो हमें एडवाइस देते हैं वो भी हम रियलाइज करते हैं कि वो भी अपने मतलब वो भी अपनी जर्नी में है। जब हम गीता जैसे सुनने लगे हैं स्पिरिचुअल पाथ पे जो भी चीजें, तो हमें रियलाइज होता है, तो फिर हम उनसे ना डिस्कस करें या हम उनसे विद ड्यू डिस्कस करें रिस्पेक्ट, और उनकी ना सुने। हाँ आई गॉट योर पॉइंट भाभी। विद ड्यू रिस्पेक्ट माता जी, हमारे माता पिता हमें हमारे गुरु हैं, हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, कपड़ा पहनना सिखाते हैं, पर बिल्कुल आत्मा के बारे में तो उनको भी नहीं मालूम। तो आत्मा के लिए वो हमारे गुरु कैसे हो सकते हैं? आध्यात्मिक में तो जो आध्यात्म जानता है हमारा गुरु है, चाहे वो हमसे बोलो छोटा ही क्यों ना, पर आध्यात्म के बारे में जानना बहुत अधिक आवश्यक है। भगवान गीता में आगे बोलते हैं, तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेवा, भगवान बोलते हैं कि जो जो गुरु तत्वदर्शी है, जिसने आत्मा का रियलाइजेशन किया है ना, या भगवान का रियलाइजेशन किया है, या भगवान को शरणागत है, भगवान के अनुगत होकर काम कर रहा है, वो हमारा गुरु है, उसके पास है तो जस्ट टू आध्यात्मिक। रिकैप, तो रिकैप गुरु जी, प्रभु जी, पहले हमें खुद गीता पढ़नी है, समझनी है, और उसके बाद जो हमें दोनों रियलाइज्ड कोई चीजें, मास्टर हैं उनके पास जाके समझना है, और फिर उसको रिवैलिडेट भी करते रहना है टाइम यस टू टाइम। यस दोनों चीजें। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, भगवान ने तो गीता में श्लोक बोले हैं, पर हम भगवद गीता एज इट इज पढ़ रहे हैं इस्कॉन की। वो किसने लिखी है? प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी कौन है? एक भक्त है जिन्होंने गीता के बारे में जानते हैं, और ही हैज लिव्ड बाय गीता एंड इज टीचिंग अबाउट गीता। तो हम गीता पढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से हमारे गुरु कौन है? प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी के माध्यम से हम भगवान के श्लोकों को और मैसेज को समझ रहे हैं, और हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सही है, उसको अप्लाई करते हैं। अब प्रभुपाद के अंडर जो डिवोटीज हैं, जो प्रभुपाद को सरेंडर्ड है, भगवान को सरेंडर्ड है, वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो गीता में लिखा वो कर रहे हैं, उनमें से कोई हमारे पर्सनल गुरु भी हो सकते हैं। और स्टार्टिंग के लेवल में हमारे कई गुरु होते हैं, हम जिसे लेक्चर सुनते हैं वो गुरु, प्रश्न पूछते हैं वो गुरु, गाइडेंस देते हैं वो गुरु। तो आध्यात्मिक रूप से कई भक्तों से हम साइमल्टेनियसली शिक्षा लेते हैं। इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में खासतौर पे हम शिक्षा लेते हैं, तो उन वो सब एक तरीके से हमारे पथ प्रदर्शक हैं, ये शिक्षा गुरु। उनमें से कोई एक है जो धन्यवाद। आगे, जिनसे हमारा बहुत हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा और हम पूरा जीवन समर्पित करेंगे, इसको दीक्षा गुरु बोलते हैं, वो आगे की बात। पर अभी के लिए हम शिक्षा जिन भक्तों से ले रहे हैं भगवद गीता की, वो सब हमारे कौन है? एक तरीके से शिक्षा गुरु से। हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। कोमल माता जी, आप प्लीज पूछ सकते हैं। इट बी अमेजिंग। और नेक्स्ट अनामिका माता जी, आप प्लीज रेडी रह सकते हैं। 100,000 स्क्वायर ज्योति माता जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? कोमल माता जी बोलिए प्लीज। 100,000 स्क्वायर सर्विंग हेलो। रूम सर्विंग कोमल माता जी बोलिए। सिस्टम ओके अनामिका माता जी आप बोलिए। हरे प्रभु कृष्णा। जी, मैं ना लास्ट 7 ईयर से हरे कृष्णा चैंटिंग कर रही हूँ स्कूल टीचर के थ्रू। मेरे को ये मंत्र का आपकी आवाज बहुत कम आ रही है माता मतलब जी, बहुत कम आ रही है आवाज। प्रभु जी अब आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मैं लास्ट 7 ईयर से हरे कृष्णा महामंत्र से जुड़ी हूँ। स्कूल में किसी टीचर के थ्रू मतलब पता चला था। तो पहले ये होता था कि जब चैंट करती थी तो अपनी कोई विश फुलफिलमेंट के लिए होता था, लेकिन अभी मैंने मतलब पूरा सरेंडर कर दिया है अपने आप को। और कोई कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आप मींस कि चाह के भी कई बार ऐसा होता है कि ये सोच लेती हूँ कि चलो लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कई बार ही मतलब कितना वो वर्स्ट हो जाती है ना, कि फिर ये होता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इंटेंशनली मतलब मैं किसी को मतलब पोक नहीं करती, किसी का बुरा नहीं करती, लेकिन हमेशा गलत मेरे साथ ही हो जाता है। तो मुझे इस मतलब इस क्वेश्चन का मुझे जवाब जानना है प्रभु जी। बताइए, आगे जाके सुनेंगे, हमारे अपने कर्म हैं,
तो हम आत्मा हैं कई जन्मों से, क्या क्या कार्य करते हैं मैंने बताया था, हमारा पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है। पास्ट में हमने कर्म किए हैं, एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन, तो हमारे कर्मिक रिएक्शन हमारे सामने आते हैं कुछ ना कुछ विपदा मुसीबत कुछ कष्ट लेकर, तो हमें उसको सहन करना है और अपने लिए अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपना आत्मा के लेवल पे समझते हुए अपने आगे काम अच्छे तरीके से करने हैं। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। मोहक नायर प्रभु जी, आप प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया शिक्षा गुरु के बारे में, अगर हमें दीक्षा गुरु, अगर हमें दीक्षा लेनी है तो शिक्षा के, शिक्षा लेने के लिए तो दीक्षा लेते हैं हम, अगर हमें दो डिफरेंट लोगों से शिक्षा लेनी है, मतलब शिक्षा अगर हमें डिफरेंट पर्सनालिटी से और दीक्षा हमें डिफरेंट पर्सनालिटी से लेनी है, तो हमको दीक्षा लेनी क्यों है? क्योंकि दीक्षा तो नहीं, हम शिक्षा नहीं, डिफरेंट पर्सनालिटी से नहीं, नहीं। मैंने कहा है कि आरंभिक स्थिति में हम कई पर्सनालिटी से शिक्षा ले सकते हैं और शिक्षा लेते लेते हम किसी एक शिक्षा गुरु से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन स्ट्रांग होता है, फेथ स्ट्रांग होता है और हम पूरा जीवन उनको समर्पित करते हैं, तो वो हमारे दीक्षा गुरु बन जाते हैं। तो जिन डिफरेंट पर्सनैलिटी से हम शिक्षा ले रहे हैं आध्यात्मिक लेवल पे, उन्हीं में से कोई एक शिक्षा देने वालों में से हमारे आगे जाके दीक्षा गुरु बन जाते हैं। ठीक है मोहक प्रभु जी, आई होप इट एड्रेसेस योर क्वेश्चन। हाँ ज्योतिमत जी और नवीन प्रभु भी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे अगर मैं ये चैंटिंग शुरू करना चाहती हूँ या कभी एस्कॉन्स के साथ जुड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले साथ उसका नहीं देते और वो लोग हर चीज में जैसे इंडल्ज करते हैं, जैसे आजकल का लाइफस्टाइल है, तो वो हम कैसे फॉलो कर सकते हैं अकेले एक घर में है? आपको अगर सारे का साथ ना हो, हस्बैंड का ना हो, बच्चों का ना हो, आप भगवान को सिंसियरली प्रे करिए, थोड़ा सा समय निकाल के चैंट करिए, है ना, भगवान को सिंसियरली प्रे करिए, थोड़ा सा समय निकाल के चैंट करिए, वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए एंड बी ए गुड वाइफ, है ना। क्योंकि मुझे पता है, जैसे मैं एक फैमिली को जानती हूँ जिनके थ्रू जैसे वो लोग दोनों फॉलो करते हैं हस्बैंड वाइफ, लेकिन हमारे घर में ऐसा हो नहीं पाएगा कि हम दोनों फॉलो करें, तो फिर उसका मैं कोई बात नहीं, हर फैमिली में मतलब स्टार्टिंग एक से होती है, तो आप स्टार्ट करिए, आप भगवान को इंटेंसली प्रे करिए और अपनी जिम्मेदारियां घर में अच्छे तरीके से निभाइए और आपके अच्छे बिहेवियर को देखकर आपके हस्बैंड भी जरूर उसमें धीरे धीरे आएंगे। ऐसा नहीं है, वो धार्मिक है, लेकिन वो कहते हैं बहुत ज्यादा करना नहीं चाहिए, थोड़ा सा करो और अपना काम करो, तो हाँ तो कोई बात नहीं, आपको मना, आपको अगर मना नहीं कर रहे तो आप अपना थोड़ा थोड़ा करते रहिए, है ना, प्रैक्टिस करते रहिए। पर हम डीप लेवल तक नहीं जा सकते अगर आपका, कोई बात नहीं स्टार्ट करिए, कोई बात नहीं स्टार्ट करिए, 15 मिनट की चैंटिंग स्टार्ट करिए, भगवान को प्रे करिए और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और अच्छे तरीके से परफॉर्म करिए, आपके और इम्प्रूव बिहेवियर से देख कर वो खुद ही क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट होल्ड करिएगा। हर्षिता माता जी, मैं मोबाइल से ऑन किया है, मेरे को प्लीज वहां पे अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा। स्विच ऑफ यू। बिकॉज़ ये ऑफिस बंद करना है तो मुझे कर दिया प्रभु जी। कैन आई लॉग ऑफ योर लैपटॉप? बंद तो नहीं होगा ना? यस यस प्रभु जी, यू कैन लॉग ऑफ। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी प्रभु जी, आप सबको सुन सकते हैं। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है। सबसे पहले कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो हमारा जो जो मन मन है, जिसको इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, जैसे कि हम समझते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो एनालिटिकल पावर, वो इंटेलिजेंस और मन की होती है, बुद्धि की होती है, और वो ज्यादातर मुझे ये फील होता है कि हाँ ये हमारे सेंस से अटैच्ड है, इसका आत्मा से कोई मतलब नहीं है। और जो मेरी जो एक सोल की जो फीलिंग होती है,
उसमें मेरे साथ बहुत ज्यादा, जैसे जो भी पास्ट में जाके देखता हूँ, कुछ और भी चीज देखता हूँ कि जो सोल के लिए जो मुझे चाहिए वो चीज पूरा नहीं हो पाता है, और जो हुआ है पास्ट के लेकर उसके लिए भी थोड़ी सी बहुत ज्यादा आत्मग्लानी सी महसूस होती है, एक 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 कहते हैं ना कि एक बेचैनी सी महसूस होती है, तो उसको कैसे दूर करें, मतलब एक समझ रहे ना मैं, अरे पास्ट के लिए आत्मग्लानी होती है और क्या होता है, आत्मग्लानी सी होती है जैसे कि कुछ पास्ट हुआ, अरे ये तो होना नहीं चाहिए था, दिस वाज वेरी बैड, और जैसे कि हम ध्यान लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं, एकाएक माइंड में कुछ बुरी चीजें या कुछ ऐसी बातें आती है, तुरंत सोल कहता है दिस इज नॉट गुड, और उसे एक पता चलता है कि ये जो आया है ये हमारे बड़ी जिस इन्वायरमेंट में पला है, इस बड़ी को जैसे रियरिंग जैसे जो भी कल्चर मिला है ये उसका इफेक्ट है, ये मेरा नहीं है, ऐसा क्यों था कि ये मेरा नहीं है, ये दिस बॉडी का इफेक्ट है, सुनिए सुनिए तो चाहिए था, तो ये बेचैनी देता है कि वो गलत था, तो आता तो उसको आने के बाद एक ग्लानी होती है, तो उसको कैसे उस ग्लानी से बाहर निकले, हाँ, ये गलत आ रहा है क्यों। आप हरे कृष्ण भवन का जप करिए भगवान के ऊपर, और भगवान के साथ संबंध स्थापित करिए, भगवान के बारे में सुनिए, भगवान के बारे में पढ़िए, तो फिर धीरे धीरे जितना हम भगवान के बारे में जानेंगे उतना अपने बारे में कम सोचेंगे, अभी क्योंकि भगवान के बारे में जानते नहीं तो अपने बारे में या तो अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, दोनों ही गलत हैं, हमें अपने बारे में कम सोचना है, भगवान के बारे में अधिक सोचना है, उससे हम सेटिस्फाइड फील कर पाएंगे, तो भगवान के बारे में अधिक सोचने के लिए भगवान के बारे में अधिक सुनिए, इन सेशंस के माध्यम से हरे कृष्ण भवन को चैंट करिए और इन स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़िए जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, थैंक यू। और भी कोई है जो क्वेश्चन, दीक्षा शर्मा माता जी आपको पूछना था। हाँ जी, राधे राधे प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया था कि जो सोल है जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं वैसे वो अपनी बॉडी चेंज करती है, बट एक्सीडेंटली जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है देन हमारी बॉडी से सोल कैसे बाहर निकल जाती है, और इसके ऊपर एक मिथ भी है कि वो आत्मा भटकती है, क्या बिना बॉडी के एग्जिस्ट नहीं कर पाती सोल? हाँ करती है, जैसे भूत के रूप में भी होता है आत्मा, कई बार आत्मा जो भटकने की बात कर रहे हैं, जब जब कोई बहुत ज्यादा पापी होता है, बहुत सिंफुल होता है, तो या कोई सुसाइड करता है, तो फिर आत्मा को अगला ग्रॉस बॉडी नहीं मिलती, केवल सटल बॉडी मिलती है, मतलब मन बुद्धि रहते हैं पर ये बाहर का शरीर नहीं रहता, तो उसको कहते हैं आत्मा का भटकना, है ना, तो अपने अपने कर्मों के अनुसार होता है, आत्मा को जो कपड़े मिलते हैं अपने अलग, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे डेथ ड्यू टू ओल्ड एज हो, अपने अपने कर्मों के अनुसार आत्मा एक कपड़े को यानी एक शरीर को छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण करती है, किस तरह से आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है वो सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है माती, समझ रहे हैं आप? हरे कृष्णा, प्रभु जी आई थिंक सो कुछ प्रॉब्लम होगा, विनय प्रभु जी आप प्लीज पूछ सकते हैं, विनय प्रभु जी, प्रभु जी हरे कृष्णा, दिस गाय, प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि अभी जैसे आपने ह्यूमन पे बताया था कि 4 लाख वो होते हैं उसकी स्पीसीज होती है, तो उसमें आपने एक बोला था कि वो स्पीसीज जो आदि मानव के टाइम की मतलब जो मांस खाती है, तो ये वही है जो मतलब जो हमारे पूर्वज थे क्या? सॉरी दोबारा भूलेंगे जी, आपने बोला था ना कि 4 लाख मनुष्य की ये जो स्पीसीज होती है उसमें वो लोग जो जो अभी मांस खाते हैं जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, तो ये वही है जो हमारे पूर्वज थे जो मांस खाते हैं? हाँ, जो ह्यूमन स्पीसीज में ना जैसे 4 लाख में मिलती है ना इनको? नहीं नहीं हम तो अलग अलग हैं, मतलब चेतना के हिसाब से हैं, चाहे हमारे पूर्वज हो, पूर्वज जरूर चले कि मनुष्य ही होंगे, अपने अपने कर्मों के अनुसार पता नहीं कौन कहाँ कहाँ किस योनि में जाएगा, चेतना की बात है, उसमें पूर्वज की बात नहीं है, चेतना की बात है, जी जी, किसी ने बहुत गलत काम किए हैं तो मनुष्य के बाद उसका पक्षी बनना पड़ सकता है, पौधा बनना पड़ सकता है, तो कभी अगर जैसे कोई पौधा बन जाता है तो उन्हें कभी जैसे हम मनुष्य में जीवन में रह के
हरे कृष्णा जाप करके अपने पाप मुक्त कर सकते हैं, जो भगवान के धाम जा सकते हैं। तो कभी अगर जैसे पेड़ बने या कोई अदर कोई और जीव बनते हैं, तो फिर हमें उस उनमें पुण्य कमाने का मौका नहीं मिलता? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसीलिए मनुष्य जीवन इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें मनुष्य जीवन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है। 84 लाख योनियों में जब मनुष्य से डिमोट होकर कहीं पर भी चले गए, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा। पेड़ के बाद बिल्ली, बिल्ली के बाद कुत्ता, कुत्ते के बाद चूहा, करते करते पता नहीं लाखों जन्मों के बाद हम मनुष्य बनेंगे, तो फिर मनुष्य जीवन में गीता पढ़ के यहाँ से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। परंतु यदि हमने अवसर गवा दिया और हम नीचे की योनि में चले गए, तो वहां पे कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं। इसीलिए हमें मनुष्य जीवन को वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसमें हमें भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। साथ के साथ जो भक्त करते हैं, भक्ति करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे हरे कृष्ण भगवान करते हैं, लाउडली चैंट करते हैं, तो उसके माध्यम से जो पशु पक्षी हैं उनके कानों में जाती है, तो उनका भी कुछ शुद्धिकरण होता है। भले नहीं है, उनका अपना एफर्ट वो नहीं कर सकते। तो हमें अपने मनुष्य जीवन को पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जब हम नीचे चले गए तो हमें फिर कितने जन्मों तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, दीपिका बंसल माता जी। दीपिका बंसल माता जी, मैंने प्रभु जी आपका हो गया, मैं आप हैंड स्टाउन कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने अभी बताया कि जैसे 4 लाख जो ह्यूमन स्पीशीज है वो भी डिफरेंट कॉन्शियसनेस के हिसाब से है, तो प्रभु जी फिर ह्यूमन लाइफ में भी सबको मौका नहीं मिलता होगा मतलब इसको समझने का, क्योंकि जिनकी कॉन्शियसनेस जो ह्यूमन लाइफ में भी जो लोअर कॉन्शियसनेस में है उनके पास चांस होता है अपने कर्मों से ऊपर उठ के स्पिरिचुअलिटी में आने का या आत्मा और परमात्मा के रिलेशनशिप को जानने का। देखिए माता जी, जो भी अब जिस भी सिचुएशन में है आज, अपने कर्मों के कारण है। अगर कोई पशु बना है तो कर्मों के कारण, कोई मनुष्य बनकर भी सबसे नीचे की चेतना में है तो अपने पूर्व कर्मों के कारण। तो ये और राइट, जिसकी कॉन्शियसनेस बहुत कम है उसके लिए उतना डिफिकल्ट चांस है इस भक्ति प्रोसेस को एक्सेप्ट कर पाने का। इसको चांस मिला है, उसको समझना चाहिए हमें क्या हाईएस्ट चीज मिल गई है और हमें अपना बेस्ट देना चाहिए उस हाईएस्ट चीज को यूटिलाइज करने के लिए। वी आर सो 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 वेरी फॉर्चुनेट कि हमें ये भक्ति के बारे में समझने का, सुनने का और प्रैक्टिस करने का अवसर मिला है। कितनी कितनी योनियों को, मनुष्यों को भी नहीं मिल पाता जो हमें मिल गया है। तो हमें अपना अब बेस्ट लगाना चाहिए इसको पूरा करने के लिए। ठीक है माता जी, म्यूट कर दिया था प्रभु जी मैंने, पीछे से आवाज आ जाती। कोमल माता जी आपका हैंड रेज है, आपका कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी एक क्वेश्चन था चैट के ऊपर कि इतनी सारी पॉपुलेशन कैसे हो रही है, मतलब हाउ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। बहुत कम पॉपुलेशन हो गई। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता युद्ध सभा, गीता का पहला श्लोक था, आपको याद होगा हमने पिछली बार डिस्कस किया था। तो कुरुक्षेत्र में करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। अभी तो हम हमारे क्या होता है कि कुछ बढ़ती है आगे, फिर कोई सुनामी आया, अभी कोरोना आया, फिर कम हो गई, फिर बढ़ती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर कम हो जाती है। और हम जिसकी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, हम केवल ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। और ह्यूमन पॉपुलेशन भी कहाँ बात कर रहे हैं, हम केवल इस अर्थ प्लैनेट पे बात कर रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट को तो पता ही नहीं कि मार्स पे भी लाइफ है, जुपिटर पे भी लाइफ है, मून पे भी लाइफ है, और यूनिवर्स एक नहीं है, देयर आर सो मेनी यूनिवर्सेस, उन सब पे लाइफ है। तो पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है। तो हम तो बहुत छोटा सा ज्ञान है उसको हम पॉपुलेशन समझ रहे हैं, दैट इज इनकम्प्लीट नॉलेज। हरे कृष्णा जी। प्रभु किसी का और कोई? दीक्षा शर्मा। हाँ जी कोमल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी प्लीज प्रभु जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे ये पूछना था कि हम मतलब भक्ति में स्थिर कैसे रह सकते हैं, भक्ति में मतलब
मतलब ये मैंने मतलब भगवत गीता मैं भी यूज भक्ति करती में हम हूँ, माला स्टडी, भी करती भक्ति स्टडी हो सकते हैं भक्तों का संग करके। जितना हम अधिक भक्तों का एसोसिएशन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, उतना हमें स्थिरता आएगी। जैसे किसी ने कोई एक बार ताश खेली, उसको ताश खेलने में स्थिरता कैसे आएगी? वो ताश खेलने वालों के साथ हर रोज बैठ जाए, उसको स्थिरता आ जाएगी। किसी ने कभी किसी की चुगली की, उसको चुगली करने में स्थिरता कैसे आएगी? जो चुगली करते हैं उनके साथ हर रोज बैठे, उसको चुगली करने में स्थिरता आ जाएगी। उसी तरह भक्ति में स्थिरता कैसी आएगी? जो भक्ति कर रहे हैं उनके साथ अधिक टाइम स्पेंड करें, उनका एसोसिएशन लिख लें, तो भक्ति में स्थिरता आ जाएगी। पर मैं ये कह रही थी कि मुझे जैसे ये हम इस कौन से जोड़ते हैं, मैं जुड़ना चाहती हूँ, पर हमारे पास इतना मतलब इस कौन नहीं है, पास नहीं है, और इतने भक्त भी नहीं है, तो मैं अकेली हो जाती हूँ, तो हम ऐसे कैसे जुड़ सकते हैं? कोई बात नहीं माता जी, आप अकेले नहीं है, आपके घर में अभी हम सब घुस गए हैं। अभी तो भगवान की कृपा से, कोरोना की कृपा से और जूम की कृपा से हम ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं, तो आप कहाँ अकेले हैं? इतने सारे भक्त लोग आपके साथ हैं, आपके साथ सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। हम अभी आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा तो हम लोग मॉर्निंग में जूम पे चैंटिंग सेशन भी शुरू करेंगे, तो कई भक्त हैं वो चैंटिंग भी मिलके करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, है ना? तो ये हमारा पूरा परिवार है विच इज बियॉन्ड ज्योग्राफिक बाउंड्रीज। अच्छा, मतलब कि जैसे फंक्शन वगैरह होते हैं इस्कॉन में, तो ऐसे आप इनवाइट भी करते हो हम सबको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सोच रहा था आज हम मायापुर आए, मैं सोच रहा था अगर आप लोग अभी हमारे सेशन चलते रहेंगे तो क्या पता 18 सेशन के बाद हम लोग भी कुछ मिलके एक मायापुर का ट्रिप प्लान करेंगे। हम सब लोग आएंगे यहाँ पर, इतना बढ़िया धाम, भगवान के इतने सुंदर दर्शन हम सब करेंगे यहाँ पर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, आई होप सबके क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं। ठीक है, सो वी वुड एंड द क्लास, और जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वो लोग प्लीज अपने अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, और हम प्रभु जी का थैंक्स करेंगे क्लास के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू।